in case uh, in in cash for the month of february 20xx by 20 india limited with appropriate working notes assume rate of cgst SGST and igst on the machine is 9% and 18% each ठीक है तो so, पहला बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट दिया है मतलब इसमें टैक्सेस कंसीडर नहीं किए और डिस्काउंट भी कंसीडर नहीं किया हुआ है 2850000

ट्रांजेक्शन okay, वैल्यू तो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू ट्वेंटी एट लैक्स फिफ्टी थाउजेंड ली जाएगी क्या कोई भी टाइप का डिस्काउंट अलाउड है यस yes. अगर आप एट द टाइम ऑफ सप्लाई देते हो और रिकॉर्डेड इन इन तो आपको दोनों डिस्काउंट अलाउ किए जाएंगे ये होगा सेक्शन फिफ्टीन थ्री से सेक्शन फिफ्टीन थ्री कहता है कि दोनों टाइप के डिस्काउंट आपको अलाउ किए जाएंगे अब इंपॉर्टेंट क्या है वो कहते हैं जो बेसिक प्राइस दी गई है एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट के डिडक्शन इसमें नहीं दिए हैं अगर डिस्काउंट के डिडक्शन नहीं दिए तो ये आपको डिडक्ट करना पड़ेगा यह आपको डिडक्ट करना पड़ेगा उसके बाद में फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन फ्रेट चार्जेस ओके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है और फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन है तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए फ्रेट चार्जेस ओके टू थाउजेंड ये भी सेक्शन फिफ्टीन टू के हिसाब से ऐड किए जाएंगे सेकेंडरी पैकिंग इन आयन शीट चार्जेस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बाय अब देखो ये जो फ्रेट चार्जेस हो गया अब सेकेंडरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग दिया गया, जनरली नहीं देते है, लेकिन एट द द रिक्वेस्ट ऑफ़ बायर दिया गया। तो अगर सप्लायर कुछ भी करता है तो भी ऐड किया जाएगा तो क्या okay, okay, charges, ये सेकेंडरी चार्जेस ऐड हो गए बिल्कुल चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज किया अगेन 15 टू सी में ऐड किए जाएंगे इंसिडेंटल चार्जेस उसके बाद में टैक्स बाय अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ मशीन ओके okay, मशीन के सेल पे म्यूनिशिपल अथॉरिटी ने टैक्स लगाया ओके okay, तो इस पर भी ओके okay, ये सेक्शन टू ए में होगा सारे टैक्सेस होते हैं एक्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो सारे टैक्सेस ऐड होते हैं एक्सेप्ट क्या बेटा तो एक्सेप्ट आपका यहाँ पे यस जीएसटी जी एलिमेंट उसके बाद में सब्सिडी रिसीव्ड बाय द सप्लायर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू तो एनकरेज द मैन्युफैक्चर ऑफ द मशीन सब्सिडी मिली स्टेट गवर्नमेंट से ओके okay, और नॉट एडजस्टेड इन अब प्राइस मतलब क्या प्राइस में एडजस्टेड नहीं है ओके okay, तो अब देखो क्या होता है ऊपर की जो प्राइस है ओके okay, उसके ऊपर के प्राइस में ये सब्सिडी एडजस्टेड नहीं है तो एटी थाउजेंड की सब्सिडी आपको मिली है तो अब देखो मैं आपको ये बता दूं चलो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या क्या ऐड होगा सबसे पहले ओके okay, आप क्वेश्चन देखते जाओ मैं आंसर पढ़ता हूँ तो ये सिक्स uh, एडजस्टमेंट तक तो खत्म कर लेते हैं ओके okay, यहाँ पे डिजाइनिंग और म्यूनसिपल और सब्सिडी सब्सिडी तो खत्म करते हैं देखो और कुछ एडिशनल एडिशनल दिया है टू परसेंट टर्न डिस्काउंट दिया डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई आईटीसी जो होगी होगा देर इज नो अदर ट्रांजैक्शन सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ एंड ठीक है नॉट रिलेटेड पर्सन तो सबसे पहले बेसिक प्राइस जो है ट्वेंटी लैख फिफ्टी थाउजेंड दिया है जो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है क्या ट्रेड डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन फिफ्टीन थ्री ए के हिसाब से अगर कोई भी सप्लाई कोई भी डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाए तो उसका डिडक्शन मिलेगा उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ओके okay, उसके बाद में यहाँ जो नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए फिफ्टीन थ्री ए के हिसाब से अगर प्रॉम पेमेंट का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाए और रिकॉर्ड किया तो उसका भी डिस्काउंट मिलेगा क्या वो फ्रेड चार्जेस एड होगा येस फिफ्टीन टू सी में जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया नहीं ये थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं है ये सप्लायर ने चार्ज की है तो ये सप्लायर नहीं चार्ज किए तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए वो वैल्यू में ऐड किए जाएंगे या सेकेंडरी पैकिंग एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगाए गए एट द द रिक्वेस्ट ऑफ बायर तो ये फिफ्टीन टू सी में वो भी ऐड किए जाएंगे डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस क्या वो फिफ्टीन टू सी में ऐड किए जाएंगे ओके okay, तो डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग चार्जेस जो है ओके okay, वो फिफ्टीन टू सी में okay, uh,

ओके okay, ये नॉट निकाल देना बाय मिस्टेक आया नॉट निकाल देना ये बाय मिस्टेक आया ओके एडजस्टेड इन अपो प्राइस मतलब ये जो सब्सिडी दी गई है ये सब्सिडी ओके okay, ये जो प्राइस दी गई है सब्सिडी को एडजस्ट करके दे दिया है मतलब जो सब्सिडी आपको अस्सी हजार की मिला दे। अगर आपके इसमें एडजस्ट एडजस्ट इन अबो प्राइस होगा तो ठीक है नहीं होगा तो वो नॉट निकाल देना ओके okay, तो मतलब क्या है कि ट्वेंटी जो है ये जो है ओके गवर्नमेंट सब्सिडी को निकाल कर दिया है एडजस्ट करके दिया है अगर ये गवर्नमेंट के सब्सिडी को एडजस्ट करके दिया है तो अच्छी बात है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी ओके okay, हम डिडक्ट करते हैं तो वो डिडक्ट करके ही एडजस्टेड ही है एडजस्टेड है तो हम सेपरेटली उसको ऐड नहीं करेंगे पर ख्याल रहे अगर वहाँ वर्ड होता है नॉट एडजस्टेड टू प्राइस नॉट एडजस्टेड होता मतलब क्या मतलब वो जो प्राइस है विदाउट एडजस्टिंग सब्सिडी होता अगर विदाउट एडजस्टिंग सब्सिडी होता तो फिर हम अस्सी डिडक्ट करते हैं ओके okay, उसमें से गवर्नमेंट सब्सिडी डक करते हैं लेकिन प्रॉब्लम में मैंने ओके okay, उसको ऐड नहीं किया इसका मतलब ओके okay, इसका मतलब मैंने एजम्पन लिया है ओके okay, कि भाई जो प्राइस है वो एक्सक्लूडिंग सब्सिडी है एडजस्ट किया हुआ है ओके okay, तो आपको डेटा क्या दिया उसके ऊपर देखना कि एडजस्टेड है और नॉट एडजस्टेड है ओके okay, तो मैंने सॉल्यूशन के साथ उसको मैच किया है अगर नॉट आपके इसमें रिमूव होगा तो हो गए नहीं तो आपने रिमूव कर देना है

प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस पेड टू इंडिपेंडेंट एजेंसी गलती होगी अमाउंट वाज़ पेड बाईन सॉरी सॉरी रिसीपियन ने दिया तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस था एजेंसी इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई हाँ मतलब क्या अग्रीमेंट ऑफ सप्लाई है

यस yes, क्या इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा यस इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा ये एक नोट डाल देना कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई उस मंथ में आएगा वैल्यू में ऐड कर देंगे वैल्यू में ऐड कर देंगे लेकिन आपने नोट डाल देना कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई उस मंथ में आएगा जो मंथ में इसका अमाउंट क्या रिसीव होगा एक नोट अपनी तरफ से देना पर सेक्शन ट्वेल्व सिक्स और थर्टीन सिक्स लेकिन इंटरेस्ट लेकिन हमने एक पॉइंट और कंसिडर किया था हमने क्या कंसिडर किया था कि वैल्यू जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानी जाएगी इसलिए अगर आप देखते हो तो मैंने इंटरेस्ट ओके इंटरेस्ट ट्वेल्व थाउजेंड और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिया है अब मुझे देखो ये रेट दिया है प्रॉब्लम में ओके यहाँ पे प्रॉब्लम में रेट दिया है ओके okay, और उन्होंने सिर्फ कहा है कि भाई और एक मिनट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मशीन एंड जीएसटी पेबल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मशीन एंड जीएसटी पेबल तो ऐसे सिचुएशन में जो है इंटरेस्ट जो है बेटा तो इंटरेस्ट जो है यहाँ ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज सॉरी इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया है और रेट हंड्रेड एंड एटीन तो यहाँ फिफ्टीन टू डी के हिसाब से ओके आपका इंटरेस्ट कंसिडर होगा और लास्ट अब एक पॉइंट मैं और लेना चाहूंगा और ये जो है इनवर्स सप्लाई आपने इनवर्स सप्लाई किया आपने आई जी एस टी पेड ऑन फूड आइटम फॉर कंजम्पन आई टी सी आपको नहीं मिलते हैं और एच जी एस टी सी जी एस टी ओकेच पेड ऑन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो इसका आई टी सी आपको मिल जाएगा उसके बाद में ये जो टर्न ओवर डिस्काउंट है इसका डिडक्शन मिलेगा क्या नहीं फिफ्टी थ्री बी कहता है नॉट एग्रीड एंड नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई ओके okay, अगर और वो नोन भी नहीं था और अग्रीड भी नहीं था तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा बाकी तो कंडीशन ठीक है तो ऐसे सिच, देखो यहाँ पे आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू आती है ये टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी नाइन लैख थर्टी एट थाउजेंड सिक्स सिक्स नाइन ओके इस तरह से ये टैक्सीबल वैल्यू आएगी उसके बाद में ये टैक्सेबल वैल्यू पे अगर आप जीएसटी कंप्यूट करोगे तो सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी नाइन परसेंट ये आपके टैक्सेबल वैल्यू पे आएगा ITC आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर का मिलेगा जो यूज ओके आईटीसी ट्रांसफार्मर का मिलेगा और जो एम्प्लॉय के लिए गुड्स कंज्यूम किया है, तो वो के लिए खरीदा तो ब्लॉक आपको ओके, 15, 000, 15, 000 का ही क्रेडिट मिलेगा तो आपका नेट जीएसटी पेबल ओके ये यहाँ पे इतना आ गया तो आई होप सिंपल प्रॉब्लम था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अरे आया कि नहीं आया आपको अच्छे समझ में यस और नो बोलिए सर चलो फटाफट हाँ कोशिश मैंने यही की कि सारी एडजस्टमेंट उसमें उस मैं कवर कर लू एक क्वेश्चन और मैंने यहां पे लिया है कौशल मैन्युफेक्चर लिमिटेड रजिस्टर इन दिल्ली इज मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायसेस इट इज पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम रेगुलर स्कीम में टैक्स दे रहे इट सप्लाइज द इलेक्ट्रॉनिक होम अपलायसेज

और वो जो ओके होम अप्लाय सप्लाई कर रहे हैं वो देयर इनवाइस के अंडर सप्लाई कर रहे टू द स्टोर दोकेट इन रिस्पेक्टिव स्टेट फॉर रुपीज फोर्टी एंड सेवेंटी सेवेंटी लैक्स रिस्पेक्टिवली ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच अपलायंसेज इज नॉट अवेलेबल ओके अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि अगर आप एजेंट को दे रहे हैं और एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है खुद के इन्वाइस में तो ओके okay, जो स्टॉक ट्रांसफर और जो स्टॉक ट्रांसफर कौशल से इनको होगा ओके okay, जो स्टॉक ट्रांसफर कौशल से इनको होगा वो स्टॉक ट्रांसफर पे कौशल को जीएसटी पे करना पड़ेगा ओके जीएसटी पे करना पड़ेगा चलिए पॉइंट नंबर टू यहाँ पे यह है कि ओपन मार्केट वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल नहीं है अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है ओके okay, तो इसका वैल्यूएशन अगर आपको याद होगा तो वैल्यूएशन होगा रूल ओके रूल ट्वेंटी से रूल ट्वेंटी नाइन क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई होगा तो वो सिचुएशन में यहां ओके ओपन मार्केट वैल्यू ठीक है अवेलेबल नहीं है और नाइनटी परसेंट ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी वो जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसका नाइनटी परसेंट तो ये केस में जो है यहां पे नाइनटी परसेंट जो है हम कंसिडर कर सकते हैं ओके अंडर रूल नाइन ट्वेंटी नाइन चलिए फर्दर इन जनवरी इलेक्ट्रॉनिक होम बीन सप्लाइड टू ओके रॉन टेक्नोमार्ट ओके रॉन् टेक्नोमार्ट अलसेल डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होप अप्लायंस इन नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर कंसिडरेशन ऑफ ट्वेंटी थ्री लैक्स फ्राम इट्स डेली वेर हाउस कौशल मैनुफैक्चर लिमिटेड ओन सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर्स ऑफ रॉन टेक्नोमार्ट ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होप अप्लायसेज सप्लाइड टू रॉन्ट एक्नोमार्ट थर्टी थाउजेंड वर रॉन्ट एक्नोमार्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आई टी सी वेरी गुड अगर आपने रिलेटेड पार्टी को दिया हुआ क्योंकि सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक होल्ड किया है मतलब ओके okay, यहाँ पे वो रिलेटेड पार्टी है रिलेटेड पार्टी होगा तो आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है ओके okay, यानी आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की है वो कंसिडर नहीं होगी तो वैल्यूएशन होगा रूल 28 से यहाँ कौन सा रूल लग जाएगा रूल 28 लग जाएगा भाई रूल 28 के हिसाब से ओपन मार्केट वैल्यू लो अगर ओपन मार्केट वैल्यू ध्यान से सुनिएगा ओके ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड और क्वालिटी और रूल थर्टी थर्टी वन के हिसाब से वैल्यूएशन होगा दूसरी बात दूसरी बात इसमें दो प्रोविजो है आगे रिलेटेड पार्टी या स्टॉक ट्रांसफर जिसको किया गया है वो एज सच आगे बेच रहा है तो उसका नाइन्टी परसेंट वाला ऑप्शन भी आपके पास है और प्रोविजो टू अगर आपने रिलेटेड पार्टी को दिया अगर आपने रिलेटेड को पार्टी को दिया तो वो सिचुएशन में ओके okay, आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू ही ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू ही ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी प्रोवाइडेड दैट आपका जो रिसिपियट है वो फुल एलिजिबल फॉर आई लेना चाहिए अब ये जो रिलेटेड बंदा है ये फुल एलिजिबल फॉर आई नहीं है ओके okay, अगर ये फुल एलिजिबल फॉर आईटीसी होता तो मैं प्रोविजो टू का बेनिफिट ले लेता और मेरी डिक्लेयर्ड वैल्यू ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होती लेकिन सामने वाला बंदा फुल एलिजिबल फॉर आईटीसी नहीं हो सकता ब्लॉड क्रेडिट में होगा हो सकता है एग्जामेशन में होगा वाटर रेट में भी ओके okay, तो फुल एलिजिबल फॉर आई नहीं है अगर वो फुल एलिजिबल फॉर आई नहीं है तो ये सिचुएशन में यहां पे सॉरी अगर वो फुल एलिजिबल फॉर आई नहीं है तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू तीस लाख अवेलेबल है उसके ऊपर वैल्यूएशन किया जाएगा चलिए आगे हैं। फॉरेन कंपनी लोकेटेड न्यूयॉर्क प्लेसेस आर ऑर्डर टू कौशल मैन्युफैक्चर लिमिटेड फॉर डिलीवरी ऑफ टू फिफ्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अपलायंसेज टू इज ब्रांच लोकेटेड इन पुणे मतलब डिलीवरी पुणे में ही देनी है लोकेशन ऑफ सप्लाई कौशल मैन्युफैक्चर लिमिटेड रेज द इन्स एज ऑन द डेट ऑर्डर ट्वेंटी जनवरी द कॉस्ट ऑफ इच यूनिट अमाउंट कंसिडेशन फॉर सच सप्लाई रिसीव इन यू एस डॉलर फ्रॉम फॉर फ्रॉम और वो डॉलर ऑन में देखो कॉस्ट उसकी 175 थी और उसको टोटल यूएस डॉलर इतना मिला एज द डेट ऑफ invoice फॉर फॉलोइंग रेट अवेलेबल एक्सचेंज रेट आरबीआई तो अगर हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो रूल थर्टी फोर यहाँ रूल थर्टी फोर लग जाता है ओके okay, रूल थर्टी फोर के हिसाब से हमें सीबीआईसी के रेट लेने हैं ओके और रेट कब लेने हैं सीबीआईसी के जिस दिन का इनवाइस है इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इनवाइस ओके तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहां पे इनवाइस इशू किया बारह एक को और सीबीआईसी के रेट के हिसाब से आपका कन्वर्जन होगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कौशल मैन्युफैक्चर लिमिटेड आल्सो प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस टू इलेक्ट्रॉनिक अपलायसेज मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन एरिया वो रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस भी देता है

ओके okay, जनवरी के लिए कंपनी ने और बाप रे बड़ा अच्छा खासा लंबा ही प्रॉब्लम है ओके okay, भाई प्रॉब्लम इसमें देखो कितनी सारी एडजस्टमेंट है ओके सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस टू होलसेल डीलर ऑफ सच अप्लायंसेस दिल्ली दिल्ली मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई किया उसने 84 लाख का ठीक है इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस सप्लाइड टू एंकर इलेक्ट्रिकल आईएनसी यूएसए अंडर एलयूटी एलयूटी मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में सप्लाई किया कंसीडरेशन रिसीविंग कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज तो ये जीरो रेट सप्लाई है और ये जीरो रेट सप्लाई तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडेड टू यूनिटेक डिले इलेक्ट्रॉनिक अपलायंसेस मैनुफेक्चर लोकेटेड इन दिल्ली तो ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई और ये सर्विसेज दे रहा है तो सर्विसेज पे भी जीएसटी आएगा उसके बाद में एडवांस रिसीव टूवर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस टू बी प्रोवाइडेड टू ऑर्क लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मैन्युफेक्चर लोकेटेड इन दिल्ली रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द फेबरी इन वॉइस इशूड ऑन ट्वेंटी एफ ओके एडवांस मिला और हम कौन से मंथ का देख रहे हैं जनवरी का देख रहे हैं ठीक है तो ऐसे केस में एडवांस जो है एडवांस मिला सर्विस का सर्विस का एडवांस मिला तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा एडवांस रिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक होम गुड्स का एडवांस मिला तो गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि अगर गुड्स होगा तो एडवांस पे नहीं जिस दिन आप इन्वाइस बनाओगे उस पर जीएसटी आएगा चलो ये भी हो गया एडवांस भी कवर कर लिया यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी सी जीएसटी एच जीएसटी एंड आई जीएसटी ऑफ कौशल मैन्युफैक्चर लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ठीक है जनवरी मंथ का आपको निकालना है

ओके चलिए प्रॉब्लम शायद आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो एमजेड एमजेड टाइप कीजिएगा देखो सारी एडजस्टमेंट्स आके यही तो यूनिक फीचर है ओके okay, यूएसपी है कि हम ऐसे ओके okay, सारी एडजस्टमेंट कवर करके ऐसे प्रॉब्लम मैंने specially, मैंने स्पेशली बनाया है ओके okay, और ये प्रॉब्लम में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाए ओके okay, तो चलिए डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई द गिवन अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी एज अंडर अगर होम अप्लायसेज और मशीनरी सेल होती है ओके होम अप्लायसेस और मशीनरी सेल होती है तो रेट फाइव परसेंट है रिपेयर मेंटेनेंस में एटीन परसेंट है और मनी चेंजिंग सर्विस होगी तो अट्ठाइस परसेंट का जीएसटी दिया है ओके मेक सुटेबल एजम्पन वेर वेर नेसेसरी आपको जहां लगता है वहां सुटेबल एजम्पन लो चलिए भाई डिटर्मिनेशन ऑफ ओके फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ओके जीएसटी एस लाइबिलिटी क्या है वैल्यू क्या है सब निकाल लेते हैं आर यू रेडी यस और चलिए डन पहले तो ओके okay, एजेंट वाला लेते स्टेप बाय स्टेप चलो एजेंट वाला सेवेंटी प्लस फोर्टी सेवेंटी प्लस फोर्टी तो एजेंट वाले की वैल्यू कैसे आएगी तो वैल्यू मैंने वह मेंसेंट दूसरे एजेंट पंजाब और प्रदेश में, में है। अगर एजेंट पंजाब और प्रदेश में तो आई जीएसटी लगेगा और फोर लैख नाइन थाउजेंड का आई जी एस टी आएगा okay, अब नोट वन जरूर देखिएगा मैंने कैसे प्रेजेंट की नोट वन ओके रूल ट्वेंटी नाइन के हिसाब से अगर सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट होता है तो ओपन मार्केट वैल्यू और नाइनटी परसेंट ऑफ द लाइक आपको बेनिफिशियल है तो यहाँ पे टोटल जो है नाइनटी परसेंट नाइनटी नाइन लैक्स आता है और ये इंटरेस्टेड सप्लाई इसलिए आई जी लगेगा और इनको मशीनरी दी मशीनरी दी इसलिए रेट फाइव रहेगा इनको मशीन सप्लाई किया या होम अप्लायसेज सप्लाई किया सॉरी ओके okay. हाँ होम अपलायसेज और मशीनरी सप्लाई की इसलिए रेट फाइव रहेगा आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा फिर दूसरा क्या किया उन्होंने ये तो हो गया यहाँ पे हाँ रिलेटेड पर्सन को दिया रिलेटेड पर्सन को दिया था तो यहाँ पे जो 30 लाख वैल्यू होगी क्यों ओके ओपन मार्केट वैल्यू रूल 28 के हिसाब से तो वो 30 लाख की वैल्यू पे जीएसटी आएगा ओके okay, और वो उत्तर प्रदेश का था और उसको होम अप्लायंसेस दिया इसलिए 5% का आईजीएसटी उसके ऊपर लगेगा 5% का आईजीएसटी उसके ऊपर लगेगा ठीक है अब पुणे ब्रांच ऑफ लिमिटेड को उसने होम अपला सप्लाई किया ओके होम अप्लायसेज सप्लाई किया पुणे ब्रांच ऑफ और यहाँ पे डॉलर सिक्स नाइनटी और सीबीआई नाइन फोर तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओके फोर फोर वन थ्री फाइव तो उसका जीएसटी फाइव परसेंट जो है क्योंकि दिल्ली से पुणे आया तो आई जी एस टी लगेगा तो इसकी सेकेंड नोट नंबर टू देख लो ओके जहाँ तक नोट नंबर टू है तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सेक्शन फिफ्टीन के हिसाब से वो रिलेटेड पार्टी हुआ रिलेटेड पार्टी हुआ ओके रूल ट्वेंटी एट में रिलेटेड पार्टी होगा तो वो केस में यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू क्योंकि नॉट इलिजिबल फॉर फुल क्रेडिट है नॉट इलिजिबल फॉर फुल क्रेडिट है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके थर्टी लैक्स रुपीज ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी और आई जी एस टी क्या रेट से आएगा फाइव परसेंट के हिसाब से आएगा उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी रूल थर्टी फाइव की एक्सचेंज रेट जो सीबीआई नोटिफाई करेगा एज पर कस्टम्स एक्ट वो लिया जाएगा इसलिए रेट अगर मैं अप्लाई और TOS उसका उसका सेक्शन मतलब डेट ऑफ आएगा तो ओके okay, अमाउंट आता है, तो ये जो है मैंने यहाँ पे 135 करके ले लिया okay, चलिए यहाँ तक क्या था उसके बाद था, यहाँ पेल पे और, और, सेल और, और तो एक लाख यूएस डॉलर थे कैलकुलेटर लो एक लाख यूएस डॉलर थे आपके पास इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है सिक्सटी पैसा ओके इन टू पॉइंट सिक्स यानी सिक्सटी थाउजेंड आपका इसका अमाउंट आ जाएगा ओके okay, और दूसरे का दूसरे का दोनों को कन्वर्ट करके जो लोअर होगा उसका वन परसेंट दोनों को कन्वर्ट करके जो लोअर होगा उसका वन परसेंट ओके okay, निकालो कैलकुलेटर पे तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो फॉर एक्सचेंज पे कमीशन हुआ साठ हज़ार और ये सिक्सटी एट थाउजेंड सिक्स एट थाउजेंड कैसे आया तो मैं आपको बता दूँ सिक्सटी एट थाउजेंड जो है अगर मैं लूँ ओके थर्टी टू ए के हिसाब से ओके कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी होगी तो पहला सिक्सटी थाउजेंड होगा और ओके फॉरेन फॉरेन करेंसी करेंसी टू होगी वन परसेंट ऑफ लेसर अमाउंट जो रुपीज में कन्वर्ट किया तो अगर मैं दोनों को कन्वर्ट करता हूं रुपीज में तो दोनों का जो लोएस्ट होगा सिक्सटी एट लैक्स सिक्स का वन परसेंटीडर होगा तो ये जो बेटा एट थाउजेंड कंसिडर होगा यहाँ पे तो ये सिक्सटीड कंसिडर अब ये करेंसी जो है लोकल मार्केट में कन्वर्ट करके दी इसलिए सी जी एस टी और एस जी एस टी आएगा

अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उन्होंने हमें दी है एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने हमको ये दी है यहाँ पे देखिएगा ओके okay. 84 लाख का इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है 84 लाख का इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है तो अब इसमें सिंपल सिंपल सप्लाई हो तो 84 लाख का सप्लाई किया ओके सीजीएसटी और एचजीएसटी 2.5% 2.5% क्योंकि होम अप्लायंसेस उसने सप्लाई किए थे उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है ओके okay. होम अप्लायंस टू एंकर लिमिटेड यूएस एलयूटी ये जीरो रेट सप्लाई जीरो रेट सप्लाई तो इसके ऊपर जीरो जीएसटी नहीं लगेगा इसकी हम अज्यूम करेंगे कि इसकी सारी कंडीशंस फुलफिल हुई इसलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया गया और नोट पर मैंने दे दिया कि ये जीरो रेट सप्लाई इसलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा अगर आप आगे देखते हो तो रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस दी गई और रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस दिल्ली में दी गई इसलिए इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो आठ लाख चालीस हजार की सर्विस दी गई तो अगर आप जो यहाँ पे उसका जीएसटी निकालोगे तो नाइन परसेंट नाइन परसेंट ईच रहेगा अगर आप उसके आगे देखते हो एडवेंस तो आपको एडवांस रिसीव मिला सात लाख का सात लाख पे जीएसटी आएगा यहाँ पे सात लाख पे जीएसटी आएगा लेकिन गुड्स का एडवांस मिलता है तो उसका जीएसटी नहीं आएगा और बाइंग एंड सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस जो आता है जैसे बाइंग एंड उसने उन्होंने ये भी कहा कि भाई उसने सेकंड हैंड गुड्स बेचे तो दोनों का डिफरेंस थर्टी टू फाइव में सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस जो दोनों का डिफरेंस आता है वो दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे एक लाख बीस हजार आएगा और गुड्स का जो भी रेट होगा फाइव परसेंट उसके हिसाब से सीजीएसटी और एच जी लगेगा तो ये आपका टोटल वैल्यू भी आ गया और ये आपकी जीएसटी लाइबिलिटी आ गई और नोट्स मैंने बहुत अच्छे से दिया है कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आपको यहाँ पे बताया है ओके okay, कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आपको मैंने यहां पे बताया तो इन दिस वे ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है ओके okay, मैं तो कहूंगा ये सॉल्व करके देखना सो दैट आपके पहले 14 मार्क्स के क्वेश्चन की अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा So, चलिए दोस्तों यहां पे ये हमारा खत्म हुआ ओके दोनों क्वेश्चंस वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फटाफट आर यू रेडी इलस्ट्रेशन के लिए रेडी हो चलो <laughs> चलो फटाफट देख लेते हैं यहां पे क्वेश्चन डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द परपज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जी एस टीज इन सेल ऑफ फैब्रिक्स एज वेल एज डूइंग जॉब वर्क ऑफ ऑफ फॉर गारमेंट्स मैन्यूफेक्चर अरे बाप रे वो सेल ऑफ फैब्रिक्स में भी है सप्लायर ऑफ गुड्स भी है और जॉब वर्क सर्विस भी दे रहा है वेरी गुड सप्लायर सर्विस भी है दोनों का टी फिक्स करने में मजा आएगा रेडियो फॉर बोथ सेल ऑफ फैब्रिक्स एंड जॉब वर्क चलो डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर आपको ऑर्डर गुड्स की आई यानी ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और जॉब वर्क सर्विस ऑफ सर्विस है गुड्स की ऑर्डर आई फर्स्ट को, ये tenth को. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस एक लाख रुपए मिला गुड्स का और सर्विस का डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर गुड्स को रिमूव किया और सर्विस को कंप्लीट किया डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस इनवाइस का डेट दिया है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड बैलेंस अमाउंट मिला ठीक है ये सारा कुछ दिया है पहला ओके पहला वो क्या कहते देखो एस आर की लिमिटेड रिसीव द सर्विस एक मिनट ये डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर इन इन द फॉलोइंग बिलो ऐसा लिखो इनडिपेंडेंट आपके में होगा तो ठीक है अदरवाइज आप लिख लो इनडिपेंडेंट केसेस सारी केसेस अलग अलग है और आपको टीओ एस फिक्स करना है इन फॉलोइंग इनडिपेंडेंट केसेस ठीक है चलो तो ये पहली केस में टीओस क्या होगा अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है तो दो ही डेट दिमाग में आना चाहिए सेक्शन ट्वेल्व टू के हिसाब से इन और लास्ट डेट ऑफ इनवाइस सर एडवांस अरे सर बैलेंस वॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवाइस ढूंढ लो इन और लास्ट डेट ऑफ इनवाइस मतलब एवर इज अर्लियर क्या अर्लियर है आपका टें थ्री आ गया आ गया आंसर देख लो आंसर आ गया ओके डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इन्स नोटिफिकेशन सिक्सटी सिक्स के हिसाब से एडवांस पे टी नहीं आता है और लास्ट डेट ऑफ इनवाइस जो लिया जाता है वो लिया जाता है डेट ऑफ रिमोल फॉर सप्लाई ये तो, तो आपका टीओस आएगा यहाँ पे पूरा पूरा वो एक लाख हो या पचास हजार हो वॉट रेट में भी पहले एक लाख के लिए अलग और दूसरे पचास हजार के लिए अलग तो आपको सर्विस के में क्या देखना है? कि जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई वहां से क्या इनवाइस तीस दिन में है सर्विस कंप्लीट हुई वहां से इनवाइस डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डेट ऑफ रिमो ऑफ गुड्स और करना है यहाँ पे और कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर और होगा तो ठीक नहीं तो कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर मतलब अगर गुड्स होगा तो रिमूव हुआ सर्विस होगी तो ऑर्डर कंप्लीट किया तो क्या इन्वाइस विद इन टाइम है हाँ इन्वाइस विद इन टाइम है अगर इनवाइस विद इन टाइम है तो पहले एक लाख के लिए इन्वाइस और रिसीव विचवरीज इज अर्लियर मतलब आपका टीएस एस यहाँ पे बारह चार को आएगा और रिमेनिंग पचास हजार के लिए इनवाइस और रिसिप्ट अर्लियर तो दूसरा टीओएस आपका बीस चार को आएगा तो देखो आंसर में आंसर में यह दिया गया है कि थर्टीन टू के हिसाब से अगर विद इन टाइम होगा तो और earlier, और एवर इज अर्लियर नॉट विद इन टाइम होगा तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट अर्लियर इनवाइस विद इन थर्टी डेज है इसलिए पहला टीओएस आपका ट्वेल्व फोर को आएगा और दूसरा टीओएस ओ ट्वेंटी फोर को आएगा यह सिचुएशन ए अगर आपको समझी होगी एसआर की लिमिटेड की तो फटाफट आप ए टाइप कर दो मतलब आपको सिचुएशन समझ में आ गई ए की चलो देखो कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन का मजा क्या है बी बी क्या है B देखो के कंसाइनमेंट ऑन ट्वेंटी की सर्विस ली ट्वेंटी इन इंस्टेड वॉज सेंट ऑन ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी एक्स एक्स कंसाइनमेंट बीस जुलाई को इनवॉइस फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन ट्वेंटी जून इनवॉइस जून को आ गया था एंड पेमेंट मेड ट्वेंटी पहले तो हमने जी टी ए सर्विस ली ओके जी टी ए सर्विस ली अगर मैंने जी टी ए सर्विस ली तो मतलब क्या मतलब यह है कि एस आर के ने सर्विस ली और रिवर चार्ज वाली सर्विस ली हम अज्यूम करेंगे कि यह रिवर चार्ज में नॉट अंडर किसेंट रिवर चार्ज वाली सर्विस ली है उसने तो सेक्शन थर्टीन थ्री अप्लाई होगा और थर्टीन थ्री के हिसाब से टीओएस का फिक्स होगा तो टीओएस फिक्स होगा डेट ऑफ पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक एंट्री और बैंक और और फ्रॉम तो जहां तक देखा जाए तो यहां पे पेमेंट किया पच्चीस तारीख को पेमेंट किया पच्चीस तारीख को सिक्सटीवंथ डे निकाल लो

गिवन केस में डेट ऑफ पेमेंट है और डे आता हम अज्यूम करेंगे कि सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में नहीं है रिवर्स चार्ज में ये बी समझ में आया कि आपको बोलिए फटाफट चलो रिवर्स चार्ज भी हमने देख लिया बी समझ में आया क्या बेटा चलिए उसके बाद में थर्ड बी समझ में आएगा तो फटाफट बी टाइप कीजिएगा थर्ड एसआर आर के लिमिटेड हैज परचेज द गुड्स गुड्स परचेज किया टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस फॉर्म पी के एल एंड कंपनी जिसका इनवाइस फोर फिफ्थ को आया पी के एल पी के एल कंपनी सॉरी नहीं यहाँ एसआर के करना एसआर के करना और आपके इसमें एसआर के होगा तो ठीक है मतलब मैंने करेक्ट करके दे दिया आपको ये देखो आपको जो नोट्स मिलेगा वो अलग रहेगा मतलब सेम रहेगा पर क्या हो जाता है नोट्स बनते ही मेरे स्क्रीन पे आ जाता है फिर जो भी करेक्शन होते हैं वगैरह तो वो नोट्स आपको करेक्टेड ही आएगा नहीं होगा तो आप एस की कर दो और बेटा मुझे आंसर सबसे चाहिए सबसे चाहिए बड़ी मेहनत करके पढ़ा रहा हो बड़े यहाँ पे ओके एफर्ट लेके पढ़ा रहा हो एस आर लिमिटेड परचेज द गुड्स ओके गुड्स परचेज किया रिवर चार्ज में पीके एल से पीकेएल से गुड्स रिसीव हुआ बारह पांच को पेमेंट किया तीस पांच को ठीक है तो अब गुड्स और वो गुड्स रिवर्स चार्ज वाला है अगर गुड्स रिवर्स चार्ज वाला है तो ऐसे केस में टीओएस एस ट्वेल्व थ्री से आता है सेक्शन ट्वेल्व थ्री के हिसाब से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स मतलब ये डेट ऑफ पेमेंट अगर पेमेंट की एक डेट है तो एक दो डेट होगी तो दो डेट और थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस तो इनवॉइस वॉइस चार पांच का है तो वहां से थर्टी फर्स्ट डेट तीनों में से विचेवरी

आपका आंसर क्या होता अगर गुड्स ट्वेल्व सिक्स को रिसीव होता अगर गुड्स ट्वेल्व होता तो ऐसे केस में आपका जो मे है में अगर ट्वेल्व को होता, तो आपका फिर डेट ऑफ पेमेंट यानी मे थर्टी अर्लियर आता रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाद में होता ओके ये होगा तो फटाफट सी टाइप करो ये होगा तो फटाफट सी टाइप करो चलो उसके बाद में डी देखो एसआर की लिमिटेड हैज परचेज फॉर इट्स एम्प्लॉय हंड्रेड वाउचर्स डेटेडीन ट्वेंटी फुटवेयर फ्रॉम बाटा लिमिटेड वाउचर खरीदा और वाउचर बाटा से खरीदा और स्पेसिफिक फुटवेयर का था ओके स्पेसिफिक फुटवेयर का थाउचरवेयर इश्यूड बाय बाटा ट्वेल्वर बाटा लिमिटेड ने इश्यू किया और वो फिफ्टीन टू किया उचर कैन बी इन कैश एट रिटेल आउटलेट ऑफ बाटा यहाँ पे जो वाउचर है वो आइडेंटिफाइबल वाउचर है और अगर आइडेंटिफाइबल वाउचर है तो फिर जिस दिन बाटा लिमिटेड ने इशू किया वो उसका टीओ एस माना जाएगा हंड्रेड वाउचर का तो इशू कब हुआ ओके सॉरी इशू वाउचर किए गए डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर फिफ्टीन ट वो तो परचेज एग्रीमेंट हुआ था एक्चुअल इशू हुआ फिफ्टीन तो को माना जाएगा तो देखो डी क्लॉज डी क्लॉज में आ जाओ फोर तो के हिसाब से वाउचर होगा ओके डेट ऑफ इश्यू वाउचर अगर वो आइडेंटिफाइबल है डेट ऑफ ऑफ वाउचर इन अदर केस सप्लाई गिवन केस में आइडेंटिफाइबल है आइडेंटिफाइबल है तो उसका टीओएस 15 12 को आएगा और वो बाटा लिमिटेड का टीओएस आएगा एसआर के नहीं टी का बाटा लिमिटेड क्योंकि उसने इशू किया तो उसका टीओएस आएगा ठीक है चलो ये हमने देखा डी उसके बाद में देखते हैं ई चलो तो फटाफट आ जाओ पे एंड इनकम टैक्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग एसआरके लिमिटेड अरे भाई डी समझा क्या ओके okay, अब आप बार बार मत बोलो आपको समझा होगा तो आप फटाफट समझते ही टाइप करो चलो अब लेते हैं ई ई क्या कहता है एन इनकम टैक्स एंड मनी लॉन्ड्री केस अगेंस्ट मिस्टर अब्राहम हु इज एम्प्लॉय ऑफ एस के लिमिटेड रिविल लार्ज वैल्यू ऑफ अनडिस्कलोज असेट विच ही क्लेम एज अ सर्विस इनकम फ्रॉम एस आर लिमिटेड अदर देन सैलरी ओके अब्राहम जो है पकड़ा गया एस के का एक एम्प्लॉय था ठीक है और उसको जो पैसा मिला अनडिस्कलोज इनकम था

आपके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, इनकम तो 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 में, में आते हो तो डेट ऑफ रिटर्न आपका टी होगा और अगर आप रिटर्न में नहीं आते हो तो जिस दिन पे करने जाओगे उस दिन टीओ होगा तो ऐसे केस में क्लॉज e का देखो ई e क्लॉज देखोगे तो यहां पे थर्टीन फाइव के हिसाब से अगर पीरियोडिकल रिटर्न होगा तो रिटर्न जिस दिन दोगे अदर केस में अदर केस में जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड तो डिस्कशन की इन गिवन केस नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन डेट ऑफ इन्वाइस प्रोविजन ऑफ सर्विस रिसिप्ट एंड एक्सेट्रा तो मिस्टर अब्राम बीइंग एन ऑफ एम्प्लॉयिटेड नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन हिज पीरियडिकल रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो रिटर्न की प्रोविजन में नहीं आता है इसलिए जिस दिन वो पेमेंट करने जाएगा उस दिन उसका टीओएस आएगा जिस दिन वो पेमेंट करने जाएगा उस दिन उसका टीओएस आएगा समझा होगा तो फटाफट ई टाइप कीजिएगा

एसआर की लिमिटेड रेज अ डेबिट नोट फॉर पेनॉल्टी अमाउंट पेनल्टी की पेनॉल्टी अमाउंट वॉज पेड इन फर्स्ट ऑफ डिसम्बर नीले पेमेंट का पेनोल्टी लगाया गया डीले पेमेंट की पेनॉल्टी की डेबिट नोट इश्यू हुई जून में पर एक्चुअल रिसीव हुआ वो भी हाफ रिसीव हुआ तो हाफ रिसीव होगा तो हाफ पे टी ओस आएगा

एक्चुअली रिसीव तो कब रिसीव हुआ एक बारह को कितना रिसीव हुआ हाफ तो हाफ पे ही आएगा और जनरली माना जाएगा तो okay, तो देखो देखो अगर हम F देखते हैं हैं? यहाँ पे, यहाँ पे F पे आते हो, तो देखो आपको वो क्या कहते के हिसाब से। इंटरेस्ट लेट फी पेनोल्टी होगा तो जब आपको एक्चुअली रिसीव होगा वो लिया जाएगा तो ऐसे केस में okay, अगर आपकी पेनोल्टी है तो पेनोल्टी जब एक्चुअली रिसीव होगी तो वो वन ट्वेल्व

और एक्सेस अमाउंट मिल रहा है एक्सेस अमाउंट देन और जो एक्सेस अमाउंट मिल रहा है यानी अप अप टू टू है 1, है ओके okay. क्योंकि बिल 5, का है, मिला पांच हजार पांच सौ मतलब एक्सेस कितना पांच सौ रुपए सेम वॉस एडजस्टेड लिमिटेड इन द नेक्स्ट मंथ बिल और वो पांच दिन को आया इन वॉइस इश्यूड ऑन द सेम डेट वट वुड बी योर आंसर इफ जेड लिमिटेड मेकअप थाउजेंड फाइव हंड्रेड पहले तो पहले तो अगर एस आर के लिमिटेड ने सर्विस दी और एक्सेस अमाउंट अपू वन थाउजेंड आता है तो उसका टीओएस एडवांस पे ना फिक्स करते हुए पंद्रह सो okay, तो तो yes, हो, तो हो गया अगर ये पंद्रह सो हो जाता है सुनो अगर सो हो जाता है तो अमाउंट एक हजार से ज्यादा है अगर अमाउंट एक हजार से ज्यादा है तो फिर डेट ऑफ एडवांस पे यानी जब आपको पेमेंट मिला डेट नहीं दिए पेमेंट की ओके okay, पेमेंट की डेट नहीं दिए चलो डेट नहीं दिए तभी आप लिखोगे कि जब आपको पेमेंट मिला उसी दिन टीवी माना जाएगा तो अगर आप जी लेते हो ओके okay, अगर आप जी लेते हो तो देखो वन थाउजेंड का क्राइटेरिया पांच हजार पांच सौ मतलब पांच सौ अपू वन थाउजेंड है अपटू वन थाउजेंड है तो जब नेक्स्ट बिल जाएगा तब लेकिन अगर 1500 है, 1500 है तो टाइम ऑफ सप्लाई ओके वो एडवांस पे ही माना जाएगा जिस दिन दिनिप्ट होगी रिसिप्ट की डेट नहीं दी है ओके लेकिन एडवांस माना जाएगा ओके जी समझा क्या यस एम्ब्रॉयडरी सर्विसेज टू क्यू लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस क्यू लिमिटेड बाय डिमांड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रेरी को पेमेंट क्यों ने किया

एस के लिमिटेड जस्ट मिनट ओके बाय डिमांड सेंट ऑन ट्वेंटी फेब्रवरी तो देखो अब यहां पे समझ लेना सर्विस जो दी गई वो दी गई फेब्रुवरी में क्योंकि डिमांड फेबर में आया और आपका फर्स्ट मार्च से फर्स्ट मार्च से चेंज इन रेट हुआ पहले जो भी रेट होगा समझ लो पहले ट्वेल्व परसेंट होगा अभी उन्होंने रेट नहीं दिया या 18 पर जस्ट अज्यूम करते हैं कि पहले ट्वेल्व परसेंट होगा बाद में और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ अब आपका सप्लाई पहले हो गया

उसका बुक एंट्री कर दिया डिमांड ड्राफ्ट का और यहां पे मतलब आर आ गया आर आ गया उसका पहले और यहां लिख दो यहां लिख दो एक वर्ड ऐड कर देना एडेड होगा तो कोई बात नहीं नहीं तो ऐड कर देना एंड इनवाइस इशूड इन वॉयस इशूड बाय आर के इन वॉयस इशूड बाय आर के लिमिटेड ऑन अगर वो एडेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऑन टेंथ ऑफ मार्च इन टेंथ ऑफ मार्च को दिया गया ऑन टेंथ ऑफ मार्च अगर वो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो इनवाइस जो है बाद में दिया गया अगर इन बाद में है, तो अब ये जो डेट हो, ये हो गया केस चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का अगर सप्लाई पहले तो हम क्या मानते हैं अगर सप्लाई पहले तो रिसिप्ट और एवर इज अर्लियर रिसिप्ट और इनवॉइस तो आपका टीय इसके ऊपर आ सकता है लेकिन लॉ क्या कहता है कि आपको डीडी चेक मिला होगा तो आपने जिस दिन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ वहां से चार वर्किंग डेज में वो रियलाइज कर देना चाहिए अगर फोर वर्किंग डेज में रियलाइज किया तो आर यहां मानेगे नहीं तो फिर आर आपका उधर मानेगे तो ऐसे केस में क्या उसने फोर वर्किंग डेज में रियलाइज कर लिया यस yes, बेटा वो ओके वो रियलाइज कर लिया थर्ड मार्च को एस आर के इनकैशिश और डिमांड राप, एंड प्रोवाइड सर्विस कब इनकैश किया थर्ड मार्च को अगर थर्ड मार्च को इनकैश किया मतलब फोर वर्किंग डेज में इनकैश कर लिया

ऑनलाइन पोर्टल इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइसिटर एक मिनट इसको डेट ऑफ इन्वाइस यहाँ करेक्ट कर लो करेक्टेड होगा तो अच्छी बात है टेंथ ऑफ मार्च टेंार्च क्योंकि यहाँ मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है तो पे टेंथ ऑफ वहां पे आएगा बेटा टेंथ ऑफ मार्च करेक्टेड होगा तो अच्छी बात है अदरवाइज टेंथ ऑफ मार्च और डेट ऑफ रिसिप्ट तो ये ये आएगा ट्वेंटी एट फेब्रुवरी ट्वेंटी एट फेबर और यहाँ पे आपकी बुक में लिख देना ट्वेंटी एट फेब्रवरी एंड ऑल्सो अमाउंट रियलाइज रियलाइज इन बैंक अकाउंट विद इन फोर वर्किंग डेज आपका बैंक में फोर वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ये लिख लो फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स चार वर्किंग डेज में आ गया इसलिए फिर आपका बुक एंट्री लिया जाएगा जिस दिन बुक एंट्री किया ट्वेंटी एथ को ट्वेंटी फरवरी फेबरी बुक एंट्री लिया जाएगा ये जो बुक एंट्री है ठीक है और दूसरा वो क्या कहते हैं देखो दूसरा वो कहते हैं विल व्हाट विल बी योर आंसर इफ रेट ऑफ चेंज इन ट्वेंटी सेकेंड फेबरवरी अगर आपका ट्वेंटी सेकेंड फेबररी को हो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ट्वेंटी सेकेंड फेबररी को हो तो वो तो सवाल ही नहीं फिर फिर वो केस में आपका अगर ट्वेंटी सेकेंड फरवरी को होता है तो फिर वो केस में आप तो पेमेंट इज रिसीव्ड And in, and यहाँ देखो पेमेंट इज रिसीव पेमेंट इज एंड यहाँ एंड कर देना एंड इनवाइसूड आफ्टर क्योंकि दस मार्च को है आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स क्योंकि इनवाइस दस मार्च का है और पेमेंट भी बाद का है तो फिर इनवाइस और रिसीव विच इज अर्लियर तो आपका ट्वेंटी एट को आएगा ट्वेंटी एट फेबर को आएगा ओके okay. ट्वेंटी एट फरवरी डेट ऑफ रिसिप्ट और इन इज अर्लियर उसके ऊपर आएगा चलो ये हमने देखा नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखो व्हाट वुड बी योर आंसर इन एच इफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीटेड ऑन ऑफ टेंगस्ट एंड पेमेंट रिसीव एंड एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन ऑफ इफेक्ट फ्रॉम सिक्सटीन ऑगस्ट Applicable GST rate was increased from 5 to 12%. However, payment for the service received was credited in bank account on 17th August. Invoice for the same raised on 23rd August. SRK Limited claimed that he is liable to pay 5%, but department took the view that he is liable to pay IGST 12%. जीएसटी नीचे यहां पे जीएसटी कर दूसरे जीएसटी अब देखते हैं एक डायग्राम निकालते हैं चलो मेरे साथ डायग्राम निकालो विल बी आंसर प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीटेड ऑन अगस्त सर्विस आपकी दस अगस्त को कंप्लीट हुई पेमेंट रिसिव एंड एंटरथ बुक एंट्री ही विध इफेक्ट फ्रॉम सिक्सटीन ऑगस्ट अप्लीकेबल जीएसटी रेट वॉज चेंज सी ई आर टी सिक्सटीन से हुआ सी आर टी सिक्सटीन से हुआ फ्रॉम फाइव टू ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव टू ट्वेल्व हुआ हाई पेमेंट फॉर सर्विस वॉज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट ऑन सेवनटीन अगस्त बैंक अकाउंट में पैसा 17th अगस्त को आ गया सेवनटीन अगस्त को आ गया एंड इन वॉयस वॉज रेज ऑन ट्वेंटी थ्री इन जो है ट्वेंटी थ्री को हुआ पर चलो सप्लाई अगर पहले तो सप्लाई पहले होगा तो आर और आई विच एवर इज और आपका फोर वर्किंग डेज में सुनिएगा आपका फोर वर्किंग डेज मतलब से ही में है. से में अगर होगा तो वो केस में आपका आर बुक एंट्री को ही माना जाएगा तो टीओ एस आपका आ, आर पे ही आएगा अगर आर पे आएगा तो रेट फाइव परसेंट ही लिया जाएगा रेट फाइव परसेंट ही लिया जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट पूछते हैं वुड योर आंसर डिफर इफ पेमेंट वॉज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट ऑन फोर्टींथ ऑगस्ट एक मिनट है वो तो ठीक है एलेवेंथ ऑगस्ट एलेवंथ ऑगस्ट पांच परसेंट का रेट लगेगा जीएसटी का जीएसटी का 5% परसेंट का रेट लगेगा अच्छा बराबर है अगर अलेवेंथ की जगह फोर्टीन को भी होता है तो आंसर तो सेम ही रहेगा तो आंसर तो सेम ही रहेगा बुक एंट्री की डेट लिया जाएगा बराबर तो ऐसे केस में इलेवन अगस्त को हमने यहाँ पे बुक एंट्री कर दी थी और बैंक रिलाइजेशन सत्रह अगस्त के पहले चौदह को ही हो गया तो भी बुक एंट्री पहले बुक एंट्री पहले तो आपका टी एस एलेवन को ही रहेगा एलेवन को ही रहेगा तो आय समझा क्या बेटा आपको आय आपको समझा क्या नहीं समझा होगा तो एक दो बार अच्छे से पढ़ना आय को समझ जाएगा आय समझा क्या समझाओगे तो बताइए बेटा और लास्ट देखो जे मिसेस एसआर के लिमिटेड हैव सोल्ड 500 हंड्रेड मीटर्स ऑफ फैब्रिक्स ऑफ वैल्यू रुपीज फाइव लैक्स अरे आए समझा कि नहीं समझा बताओ प्लीज आप एक बार डायग्राम निकाल के देखो बुक एंट्री बैंक रिलाइजेशन बैंक रिलाइजेशन पहले है तो आए समझा कि आपको यस सर नहीं सर कुछ तो बोलो आए तो टाइप करो ठीक है आप पढ़ो नहीं तो नेक्स्ट सेशन में सवाल पूछ लेना उसके बाद में नेक्स्ट मिसेस एसआर के लिमिटेड सोल्ड हंड्रेड मीटर्स रिटर्न बेसिस गुड्स आर रिमूव ऑन टेंथ ऑगस्ट अप्रूवल गिवन ऑन ऑन सेम डेट गुड्स बेचा और अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे दिया जिस दिन अप्रूवल आया उसी दिन इनवाइस है अगर उसी दिन इन टाइम है अगर जिस दिन रिमूव उसके छह महीने बाद अप्रूवल दिया तो अगर उसके छह महीने बाद अप्रूवल दिया तो फिर टीयूएस जो आएगा आपका जिस दिन सिक्स मंथ कंप्लीट हो गए तो आपके सिक्स मंथ कब कंप्लीट हो गए तो अगर आप आंसर देखते हो पहला तो ठीक है सॉरी बेटा ओके okay, पहला तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस तो जिस दिन ओके okay, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस होगा उसी दिन आएगा लेकिन अगर सिक्स मंथ में एक्सेप्टेंस नहीं आया तो जिस दिन सिक्स मंथ कंप्लीट हो गए तो दस जनवरी ट्वेंटी एक्स वाई को आपके छह महीने कंप्लीट हो गए ओके okay, छह महीने कंप्लीट हो गए तो इस तरह से हमने यहां पे ये कॉन्सेप्ट को देखा ठीक है ठीक है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू ये कंप्लीशन ऑफ इवेंट के बेस पर टी फिक्स होगा ये जब भी इवेंट यानी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होगी तो टी कैसे तो क्वेश्चन नंबर टू जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।, रहेगा ये आप करोगे ठीक है डन ये क्वेश्चन नंबर टू रहेगा ये आप ट्राई करो ये आप ट्राई करो।, करो ओके ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं मेस एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट महाराष्ट्र हु जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम हैज मेड द स्कीमेड ट्रांजेक्शन जुलाई ट्वेंटी आउटपुट टैक्स पेबल उन्होंने दिया है कितना आउटपुट टैक्स पेबल है वो दिया है टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज भी दिया है बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ये भी दिया है बैलेंस जो बैलेंस दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इंक्लूडिंग द आई टी सी आर सी एम ख्याल रहे आपको मैंने पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था कि आर सी एम का टैक्स देना भी पड़ता है तो उसका क्रेडिट भी मिलता है तो उन्होंने एक डिटेल स्पेशल नोट दी है कि जो ये क्रेडिट बैलेंस दिए है वो आर सी एम का भी कंसिडर हो गया है क्योंकि पे भी करना पड़ता है और क्रेडिट भी मिलता है उसका नाउ इंटरेस्ट और पेनल्टी दिया हुआ है एस इंटरेस्ट और पेनल्टी दिया है आई इंटरेस्ट और पेनल्टी के बैलेंसेस दिए गए हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली आपको इंडिपेंडेंटली हर केस अलग समझना है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है ठीक है पहला आउटपुट टैक्स रिपोर्टेड अंडर आई कॉलम पर्टेंडिंग टू मंथ ऑफ फेब्रुअरी व्हिच वाज नॉट पेड फॉर द सेड पीरियड डिस्कस द ट्रीटमेंट टू बी मेड विथ लीगल प्रोविजन समझ लो आईजीएसटी कॉलम में जो आउटपुट टैक्स है वो नहीं दिया ओके okay. नहीं दिया गया विच वॉज नॉट पेड फॉर द पीरियड नहीं दिया गया इंडिपेंडेंट केस अभी समझ लो आईजीएसटी पकड़ लो नहीं दिया गया तो लीगल प्रोविजन क्या होगी अगर आपने ओके सेक्शन फोर्टी नाइन एट एक मिनट ठीक है अब वो ये कहते हैं ऐसा समझो समझो कि आईजीएसटी वाला इंडिपेंडेंट कैसेस है आप अलग अलग इसको अल्टर कर सकते हो वो कहते हैं कि आईजीएसटी में जो आउटपुट टैक्स है वो फेफ का समझो और आपको पुराना टैक्स है और वो पुराना टैक्स नहीं दिया तो क्या लीगल प्रोविजन है तो सेक्शन फोर्टी एट याद होगा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जब डिस्चार्ज करोगे तो नेमली नीचे क्रोनिकल ऑर्डर में होनी चाहिए जो आपने सेल्फ असेस टैक्स किया प्रीवियस टैक्स पीरियड का पहले वो होगा फिर सेल्फ असेस टैक्स करंट टैक्स पीरियड का फिर वो होगा और फिर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट एस पर सेवेंटी थ्री सेवन वो होगा अब अगर ये जो आउटपुट टैक्स आई जी एस टी कॉलम में बताया जा रहा है ओके वो फेब का होगा और बाकी ये जुलाई का है पर ये अमाउंट अगर फेब का होगा आउटपुट टैक्स जो अभी तक कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है आपने पे ही नहीं किया तो सबसे पहले आपका फेब का जो भी जो भी बैलेंस आएगा

आर द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एंडिस्टमेंट अपलीकेबल फॉर पेमेंट मेड अंडर जीएसटी जो भी पेमेंट आप जीएसटी के अंडर करते हो क्या प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एंडिस्टमेंट अपलीकेबल होता है ये yes, बेटा अगर आपको सेक्शन फोर्टी नाइन नाइन याद होगा तो वो कहता है कि जो भी टैक्स आप देते हो जीएसटी में ये प्रिज्यूम होता है कि डीम टू हैासन ओके डीम टू हैव बीन पास ऑन ये प्रिज्यूम होता है ऐसे केस में अगर आपको कोई रिफंड चाहिए जो भी कुछ चाहिए तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया है ठीक है नेट टैक्स पेबल इन इन कैश वाइल फाइलिंग द सेड रिटर्न एज वेल एज इंटरेस्ट पेबल फॉर डिले रेमिटेंस सिक्सटी डेज ऊपर दिए गए किया होगा समझ लो जुलाई का ही समझो और आपने सिक्सटी डेज डिले किया है ओके ड्यू डेट से किया है, तो आप उसका इंटरेस्ट निकालो और वो डिले क्यों किया क्योंकि रिटर्न लेट फाइल हुआ सेवेंटी थ्री की प्रोसीडिंग के पहले रिटर्न फाइल हुआ तो आप उसका नेट कैश पेबल निकालो तो चलो आप क्वेश्चन देखो और यहाँ पे आउटपुट टैक्स आपका 1475, 2834, 2834 था फिर आप आई यूज करोगे आई यूज करोगे आपके पास आई का आई है ट्वेंटी सिक्स आई जी का क्रेडिट आई में बैलेंस होगा तो सी जी एस टी और एच जी एस टी मैं फिफ्टी फिफ्टी यूज कर रहा हूँ फिर सी जी एस टी का आप इधर यूज करोगे

वाट वुड बी योर एंसर इफ ए बी सी लिमिटेड ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनलोल्टी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर सी जी एस टी एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ आई जी एस टी सी जी एस टी आई जी एस यू जी एस टी एंड पी एम टी जीरो नाइन क्या वो 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 शिफ्ट कर सकते हैं क्या बैलेंस उसके पास इंटरेस्ट का बैलेंस है पेनल्टी का बैलेंस है तो टैक्स पे करने के लिए क्या वो बैलेंस शिफ्ट कर सकते हैं बिल्कुल ओके यानी ये जो लाइबिलिटी आ रही है फोर थर्टीन फाइव हंड्रेड फोर थर्टीन फाइव हंड्रेड ओके okay, ये फोर थर्टीन फाइव हंड्रेड फोर थर्टीन फाइव हंड्रेड का पेमेंट आ रहा है तो उनके अकाउंट में अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी का बैलेंसेस पड़े हैं तो क्या वो शिफ्ट कर सकते हैं बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं यानी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो इंटरेस्ट हेड में पाँच हजार टोटल पड़ा हुआ है अगर आप टोटल देखोगे तो इंटरेस्ट हेड में पाँच हजार पड़ा हुआ है टोटल करोगे तो पेनल्टी हेड में पंद्रह सौ पड़ा हुआ है तो पेनल्टी हेड में पंद्रह सौ पड़ा हुआ है तो ऐसे केस में

557500 557, इसमें से आप पांच हजार और कम कर सकते हो और पंद्रह कम कर सकते हो यानी ये ग्यारह लाख आठ हजार पे ही इंटरेस्ट दोगे ग्यारह लाख आठ हजार फाइव हंड्रेड पे ही इंटरेस्ट दोगे तो पी एम टी जीरो नाइन चालान अगर आप सबमिट करते हो तो ये आपको ओके और लाइबिलिटी कम हो जाएगी डी समझा क्या बेटा आपको डी समझाओगा तो टाइप करो ओके नेक्स्ट

आरसीएम तो क्रेडिट लेजर यूज नहीं हो सकता है तो आरसीएम आपको पे करना ही पड़ेगा वो तो कैश लेजर से ही देना पड़ेगा तो क्या इंटरेस्ट आएगा ये yes, इंटरेस्ट आएगा और जो आपके आरसीएम पेमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा पर इंटरेस्ट आएगा ओके okay, आरसीएम पे इंटरेस्ट आएगा ये समझा क्या यहां तक समझा क्या अगर पूरा समझाओगे तो यस yes, टाइप करो फटाफट पूरा समझाओगे तो यस yes, टाइप करो फटाफट

ओके सेवेंटीन फाइव बी में लाइफ इंश्योरेंस वगैरह सर्विस लेते हो ओके okay, उसके दो एक्सेप्शन है अगर आप सेम आउटवर्ड सप्लाई के लिए ले रहे हो तो ठीक है या कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के लिए रहे हो तो ठीक है लेकिन आप सेम आउटवर्ड सप्लाई के लिए नहीं ले रहे हो आप बिजनेस में ले रहे हो इसलिए इसका आई नहीं मिलेगा रॉ मटेर फॉर विच इनवॉइस रिव्ड एंड जीएसटी बटली फिफ्टी परसेंट मटेर ड्यूरिंग फिफ्टी परसेंट रिस नेक्स्ट मंथ एंड लॉट में आया अगर आपको प्रोविजो याद होगी तो प्रविजो वन टू तो सेक्शन सिक्सटीन वन अगर आपका गुड्स लॉट में आता है तो आपको जो मंथ में लास्ट लॉट आएगा उसमें आई टी सी मिलेगा इसका मतलब अभी आपको आई टी नहीं मिलेगा ओके आपको प्रोविजो टू तो सेक्शन सिक्सटीन वन लिखनी पड़ेगी वर्स कॉन्ट्रक्टर सर्विस यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपको सेवनटीन फाइव ओके सेवनटीन फाइव सी याद होगा तो सेवनटीन फाइव सी में हमने देखा था वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी आपको नहीं मिलता है इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी होगा पर उसका एक्सेप्शन है प्लान एंड मशनरी तो अगर ये प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका आईटीसी मिल जाएगा उसके बाद में परचेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन डायरेक्टली डायरेक्टली टू जॉब जॉब वर्कर वर्कर सेक्शन 19 में हमने जो डायरेक्टलीस को भेजा तो क्या हम उसका आईटीसी आई टी बिल्कुल ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन 19 का रेफरेंस यहां पे आएगा परचेस ऑफ कार यूज बाय डायरेक्टर फॉर बिजनेस मीटिंग ओनली कार जो है कार ऑलवेज सीटिंग कैपेसिटी 13 से लेस होगी ओके तो कार का आईटीसी आपको जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर ये एक्सेप्शन में आता है मतलब सेम टैक्सेबल सप्लाई होता है या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी या ट्रेनिंग कोचिंग

Of Apple iPad which लेकिन अगर आप आई टी सी ले चुके हो तो फिर सप्लाई बोला जाएगा पर हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई नहीं लिया है और सेवनटीन फाइव एच में आई टी सी नहीं मिलेगा परचेज सीमेंट पेंट आइन रॉड्स एंड सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर वन ऑफ इस क्लाइंट ओके पहली बात तो एक ध्यान से समझ लो कि आपने गुड्स खरीदा और कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदा तो सडनली ये मत करना ओके okay कि नहीं मिलेगा नहीं कंस्ट्रक्शन अगर ऑन इज ओन अकाउंट होगा खुद का होगा तो नहीं मिलेगा अगर आप किसी और के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको आई दिया जाएगा वन ऑफ इज क्लाइंट के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपका आउटपुट कंस्ट्रक्शन है तो आपको आई दे दिया जाएगा आपका वर्स कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन है तो आपको आई दे दिया जाएगा वो क्लियर वर्ड है कि ऑन इज ओन अकाउंट खुद का किया तो आई नहीं दिया जाएगा एबीसी लिमिटेड अवेल मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस फ्रॉम जग्गी मोटर्स फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स अगर आपको सेवनटीन फाइव ये भी याद होगा तो तीन सर्विसेज रिपेयर आईटीसी नहीं मिलता है अगर मोटर व्हीकल का नहीं, मिलता है, तो ट्रक ये में नहीं है ट्रक का आईटीसी मिलता है अगर ट्रक का आईटीसी मिलता है तो उसके और मेंटेनेंस का भी आईटीसी आपको दे दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो में यूज हुआ है इसलिए इसका दिया जाएगा एज दे कैपिटल गुड्स कंप्यूटर डेप्रिसिएशन वॉज क्लेम ऑन द सेड जीएसटी पोर्शन जीएसटी पोर्शन पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप जीएसटी एलिमेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा इनपुट परचेज बट स्टोलन फ्रॉम द फैक्ट्री फाइव एच में अगर आपका स्टोलन फ्रॉम द फैक्ट्री होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा परचेस ऑफ एसेसरीज विच वे डिलीवर डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी ऑन डायरेक्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड ओनली इन वॉइस वॉज रिसीव बाई एबीसी लिमिटेड अगर बिल बिल्टू शिफ्ट मॉडल होगा तो बिल बिल्टू शिफ्ट मॉडल में सप्लायर के डायरेक्शन पे अगर गुड्स डायरेक्टली डिलीवर्ड हो रहा है तो जिस दिन डिलीवर किया गया बिल बिल्टू शिफ्ट मॉडल में उस दिन

इसमें आउटवर्ड सप्लाई भी दिया है रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ मशीन उसने मशीन ट्वेंटी फाइव लैक्स हायरिंग ऑफ रिसिप्ट फाइव लाख ट्वेंटी सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई मैन पावर ऑपरेटर ट्वेल्व लैक थर्टी फाइव ऑल ट्रांजेक्शन आर इंटरस्टेट एंड रेट ऑफ आई जी एस टी अंडर ओके फाइव परसेंट हायरिंग ऑफ मशीन पे और मैन पावर एटीन परसेंट कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल पहले तो आपको आईटीसी कितना मिलेगा वो बताओ एंड नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर जीएसटी कितना आएगा ये बताओ तो कॉम्पिटिशन ऑफ नेट जीएसटी तो बाद में करते हैं पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं वर्किंग नोट में आपको आईटीसी किसका किसका मिलेगा देखो मैंने जो जो राइट किया उसका ही आई मिलेगा सबके रीजन आपको देना पड़ेगा ट्वेल्व ट्वेल्व फिफ्टी ट्वेल्व फिफ्टी उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा था ओके एट ओके सॉरी उसके बाद में इसका नहीं मिलेगा इसका नहीं मिलेगा फोर्टी फिफ्टी फाइव थर्टी फाइव एटी फोर्टी फिफ्टी फाइव थर्टी फाइव एटी उसके बाद में क्या है ओनली ट्वेंटी फाइव तो ओनली ट्वेंटी फाइव तो आपका टोटल टू लैक्स नाइन्टी थाउजेंड आ रहा है ठीक है सबके नोट्स आप ऐसा भी कर सकते हो ये टेबल के सामने भी रिमार्क लिख सकते हो ये भी अच्छा तरीका है नीचे नोट्स देने के बजाय वहीं के वहीं नोट्स देते हो नोट्स केयरफुली पढ़ना वहीं के भाई वही अगर नोट्स देते हो तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है ओके सो दैट की जो पेपर चेकर है वो वहीं के वहीं चेक कर रहा है कि नोट्स आपने दी हुई है ओके okay, नोट्स आपने दी हुई है तो चलिए आपने ओके okay, सारी नोट्स लिखी आ, यहां पे उसके बाद में आपने निकाला ग्रॉस जीएसटी लाइब्रेरी सेल ऑफ मशीन 25 लाख है 6 परसेंट आपने जीएसटी लाइब्रेरी निकाला हायरिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ मशीनरी ध्यान रखना ये जो हायरिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ मशीन आपने हायर किया और उसके साथ मैन पावर ऑपरेटर देना ही पड़ेगा क्लियर कहा है कि मैन पावर ऑपरेटर आपको देना ही पड़ेगा साथ में ही दिया जाता है तो वो कंपोजिट सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है उसमें प्रिंसिपल सप्लाई हायरिंग है अगर प्रिंसिपल सप्लाई हायरिंग है तो दोनों को रेट ट्वेल्व ही लगेंगे दोनों को रेट 12 परसेंट रखेंगे क्योंकि वो उसका रीजन भी मैं तो यहाँ पे देखो फाइव ट्वेंटी और ट्वेल्व थर्टी फाइव दोनों को लगाया गया और अकॉर्डिंगली आउटपुट टैक्स निकाला गया तो आपका आउटपुट टैक्स थ्री सिक्सटी इनपुट टैक्स इतना इतनी आपकी नेट जीएसटी लाइबिलिटी बताई गई है और यहाँ पे नोट्स केयरफुली पढ़ो नोट्स केयरफुली पढ़ो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ ये देखो ये कंपोजिट सप्लाई मैंने कहा कि भाई वो कंपोजिट सप्लाई इसलिए रेट दोनों को ट्वेल्व परसेंट ही लगेगा ये समझ में आया क्या समझ में आया तो टाइप करो वन चलिए नेक्स्ट इस पे आ जाओ अरे साहब समझ में आया तो लिखो नेक्स्ट इस पे आ जाओ यहां नेक्स्ट देखो ऑल इन वन स्टोर इज अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट ऑल मेट्रो सिटीज अक्रॉस इंडिया बोथ एग्जामेड एज वेल एज टेक्सेबल गुड्स आर सोल्ड इन सच स्टोर ठीक है अच्छा कॉमन है एग्जाम्टेड एज वेल एज टैक्सेबल अच्छा क्वेश्चन है सॉल्व करके देखना अच्छा क्वेश्चन है द स्टोर ऑपरेट इन रेंटेड प्रॉपर्टीज रेंटेड प्रॉपर्टी में स्टोर है ऑल इन वन स्टोर पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम इन मुंबई स्टोर ऑपरेट इन अ रेंटेड कॉम्प्लेक्स अ पार्ट ऑफ विच इज यूज बाय ओनर ऑफ द स्टोर फॉर पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पज एक रेंट पे कॉम्प्लेक्स है जिसमें कुछ पार्ट वो पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज कर रहा है ऑल इन वन स्टोर मुंबई फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अक्टूबर की डिटेल्स दी है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम्स सोल्ड इन स्टोर ओके अलग अलग आइटम जो स्टोर से सेल किया जा रहा उसकी items, items exempted, items, है उसकी डिटेल्स है टैक्सेबल आइटम्स आइटम्स एग्जम्प्टेड एंड आइटम्स ये सेल है आउटवर्ड आइटम नॉट टू ओके मतलब नॉट लेवल यानी इन शॉर्ट वो आपके अदर देन पर्सनल पर्पज नॉट नॉन टैक्सेबल सप्लाई थ्री लैक्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई एक्जम सप्लाई का ही पार्ट माना जाता है तो ऐसे केस में आपका जो हुआ वो हो हो गया exam supply. Exam supply 15 हो गया। एग्जाम एग्जाम सप्लाई, सप्लाई आपका सैम्पल स्टॉक ट्रांसफर हुआ द वैल्यू डिक्लेयर इन द स्टोर एट लैक्स वेरी गुड बहुत अच्छी बात है अब देखो स्टॉक <laughs> ट्रांसफर हुआ स्टॉक ट्रांसफर

सामने वाला फुल एलिजिबल है फॉर आई तो डिक्लेयर वैल्यू लो तो यहाँ पेड वैल्यू पांच लाख है और ओपन मार्केट वैल्यू जो वो बेच रहा है मुंबई से वो आठ लाख है तो फिर मैंने क्या लेना चाहिए अगर वो सामने फ्री सैंपल बांट रहा है तो उसको आई टी सी नहीं मिलते में अगर उसको आईटीसी नहीं मिलते है तो मेरे स्टॉक ट्रांसफर के लिए ओपन मार्केट वैल्यू लिया जाएगा ये सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया क्या यानी यह आठ लाख पे जीएसटी लगाया जाएगा ये समझा क्या समझा होगा तो प्लीज यहाँ पे टू टाइप कीजिएगा उसके बाद में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम प्रोक्योर फॉर बीइंग सोल्ड प्रोक्योर किया ओके यानी परचेस है आपका परचेस है टैक्सेबल आइटम फिफ्टी फाइव एग्जमटेड आइटम फिफ्टीन और नॉट लेवेबल पांच लाख इसमें से आपने जो प्रोक्योर किया टैक्सेबल फिफ्टी फाइव तो आपको आई टी सी फिफ्टी फाइव का मिलेगा इसका आई टी सी मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर कोई जीएसटी ही नहीं इसके ऊपर कोई जीएसटी लगा, लगा ही नहीं इसलिए इसका आईटीसी मिलेगा ही नहीं मुझे सबसे रिस्पांस चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम बहुत अच्छा है मुझे सबसे रिस्पांस चाहिए प्लीज उसके बाद में

अगर कोई आपने इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए लिया होगा तो उसका आई आपको मिलेगा लेकिन अगर कोई इनपुट सर्विस आपने एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए लिया या नॉन टैक्सेबल के लिए, तो इसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे आईटीसी नहीं मिलेंगे बट रिवर चार्ज में लाइबिलिटी आएगी एंड रिवर चार्ज में लाइबिलिटी तो तीनों की आएगी जीटीए सर्विस है वो कोई भी गुड्स हो रिवर चार्ज में तीनों की लाइबिलिटी आएगी और आपको तीनों का टैक्स तो देना पड़ेगा लेकिन ओके लेकिन आपको रिवर चार्ज में पे करने के बाद आपको क्रेडिट मिलते हैं सुनो रिवर चार्ज में पे करने के बाद आपको क्या मिलते हैं क्रेडिट मिलते हैं तो जब आप क्रेडिट लोगे यहाँ पे हाँ तो जब आप क्रेडिट लोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ पहले का मिलेगा बाकी एक्सक्लूसिवली एग्जाम का है तो इसका आई टी सी आपको नहीं मिलेगा उसके बाद में मंथली रेंट पेबल फॉर कॉम्प्लेक्स फाइव लैफ फिफ्टी थाउजेंड वन थर्ड आप टोटल स्पेस अवेलेबल फॉर पर्सन तो इसमें से वन थर्ड आप पर्सनल के लिए यूज करो सेक्शन में अगर कोई भी आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया तो वो आपको आई टी सी नहीं मिलता है तो का ITC आपको नहीं मिलेगा एक्टिविटी ऑफ पैकिंग द आइटम्स एंड पुटिंग द लेबल ऑफ द स्टोर अलॉन्ग विद सेल प्राइस हैज बीन आउटसोर्स अमाउंट पेड फॉर पैकिंग फॉर ऑल द आइटम्स टू सारे आइटम्स का पैकिंग जो है हमने 250 का अमाउंट उसके ऊपर पे किया है ओके okay, अब देखते हैं उसमें तो एग्जाम भी होगा टैक्सेबल भी होगा तो हमको वो डिवाइड करना पड़ेगा सैलरी पेड टू रेगुलर स्टाफ एडेस्ट स्टोर ठीक है सैलरी पे ना जीएसटी आता है ना उसका आई टी सी मिलता है जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पज इसका भी आई टी सी आपको नहीं मिलेगा जीएसटी पेड ऑन रेंट कैब सर्विस अवेल फॉर बिजनेस पर्पज इसका भी आई टी सी नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप लीजिंग हायरिंग करते हो और वो कार का करते हो जो कार का आपको आई टी सी नहीं मिलता है तो उसका लीजिंग और हायरिंग सेवनटीन फाइव बी में आपको आई टी सी नहीं मिलता है जीएसटी पेड ऑन आइटम्स गिवन ऑन का भी आई टी सी आपको नहीं मिलेगा गिवन द अबो अवेलेबल फैक्स रिक्वायर टू कम्प्यूट आई टी सी क्रेडिट कितना आईटीसी मिलेगा कॉमन क्रेडिट कौन सा है उसके बाद में आईटीसी टीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट इलिजिबल आईटीसी आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट एंड नेट जीएसटी लाइबिलिटी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है नेट जीएसटी लाइबिलिटी फॉर दक्टोबर ट्वेंटी एक्स नोट्स वेर एवर अपलीकेबल जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज पांच परसेंट से लगेगा बाय ऑल इन वन रेट्स और रेट ऑफ जीएसटी इन ऑल अदर केस एटीन परसेंट रिवर्स चार्ज वाला अगर कोई लाइबिलिटी है तो फाइव बाकी सब जगह एटीन परसेंट लगाओ ऑल द सेल्स एंड परचेस मेड बाय स्टोर आर विद इन द महाराष्ट्र ऑल द परचेसेस आर मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ऑल अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड आर ऑल्सो विद इन द स्टेट ठीक है सभी स्टेट है एक्सेप्ट स्टॉक ट्रांसफर छोड़ के वेर एवर अमाउंट गिवेन्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलिंग आई टी हेज बिन कम्पलाइड विद मैंने यहाँ पे पहले जो है आपको ओके अब ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना ये प्रॉब्लम को यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये कॉमन सप्लाई है कॉमन सप्लाई है मतलब क्या मतलब एग्जम्ट और टैक्सेबल का सप्लाई है आपका ओके एग्जम्ट और टैक्सेबल का सप्लाई है जिसमें एग्जाम में नॉन टैक्सेबल भी लिया जाएगा तो फिर आप मैंने क्या बताया था पहले मैंने आपको ये बताया था अगर आपको रूल फोर्टी याद होगा तो टोटल टी ले लो ओके टोटल टी ले लो टी में से सीवन निकाल लो टी T1, T2, T3 टी थ्री जो अलग कर दो जो ब्लॉक क्रेडिट है या जो भी है वो अलग कर दो और उसके बाद में ओके उसका C1 निकालो कॉमन क्रेडिट और कॉमन क्रेडिट एंट्रीब्यूट कर दो और T4 का क्रेडिट आपको मिलेगा T4 का क्रेडिट मिलेगा तो चलिए ओके सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले टोटल टी ले लेते हैं वो मत सोचो अभी आई टी सी मिलेगा नहीं मिलेगा कितना इनपुट टैक्स दिया ओके सॉल्व करके देखना प्रॉब्लम कितना इनपुट टैक्स दिया टोटल टी ले लो ओके टोटल टी ले लो तो ठीक है जीएसटी पेड ऑन टैक्सेबल आइटम तो यहाँ पे देख लेते क्या टोटल आपने टी दिया ओके okay, ये तो आपका ये तो आउटवर्ड है ये तो आउटवर्ड है ये भी आउटवर्ड है स्टॉक ट्रांसफर ये प्रोक्योर है टैक्सेबल आइटम पे फिफ्टी फाइव कितना जीएसटी दिया फिफ्टी फाइव तो चलो टोटल फिफ्टी फाइव यहाँ पे आपने टैक्सेबल आइटम पे दे दिया तो 55 इन 18 परसेंट नाइन लाख नाइन थाउजेंड अब आपका सवाल होगा सर मैं एग्जाम का भी आईटीसी टी लू क्या अरे बेटा उसके ऊपर जीएसटी लग के ही नहीं आया कॉमन सेंस लगाना वो आइटम ही है, तो क्रेडिट किस बात का परचेस ही एक्जम्ट है परचेस ही एग्जाम टू टैक्स है तो इसका क्रेडिट आएगा ही नहीं तो आपने इसका उसका क्रेडिट ही नील रहेगा क्रेडिट इसलिए नील रहेगा क्योंकि उस पर जीएसटी लग के आया ही नहीं ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेट पेड अब तीनों फ्रेट है का आप आरसीएम में टैक्स दोगे मैंने बाद में में याद रखो आरसीएम हमें देना है तो अभी क्या करो अभी आप हम टी निकाल रहे, टी निकाल रहे। इसलिए सबका इनपुट टैक्स ले लो अभी टी वन निकालेंगे, टी निकालेंगे टी ले ले तो सबका इनपुट टैक्स ले लो तो देखो मैंने यहां पे सबका सबका इनपुट टैक्स ले लिया ओके इवन मंथली रेंट जो था उसको भी बायफरकेट नहीं किया अदर देन बिजनेस के लिए यूज किया ओके पर्सनल पर्पज के लिए उसका भी ले लिया क्योंकि मुझे टोटल टी निकालना है ओके okay, उसका भी ले लिया पैकिंग का भी ले लिया स्टाफ स्टाफ ये एम्प्लॉय है बेटा एम्प्लॉय को पेमेंट किया तो जीएसटी लगता नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया अगर आप ऊपर देखो देखते हो तो ओके okay, यहाँ पे जीएसटी पेड ऑन इनपुट ऑन पर्सनल पर्पज अगर पर्सनल पर्पज के लिए भी मैंने तो मैंने इनपुट टैक्स में ले लिया उसके बाद में कैप का भी ले लिया ब्लॉक क्रेडिट होगा तो भी ले लिया उसके बाद में उसका भी ले लिया, टोटल मेरा टी, टी समझा गया टी को दिमाग नहीं लड़ाना है, टी टी में सिंपल आपको पहली बात तो जैसे आपने एग्जाम देखा कि आपके सामने फॉर्मेट आ जाना चाहिए टोटल टी ओके वो मत सोचो कि वो किस में यूज हुआ क्या हुआ जिसपे जिसपे जीएसटी लग के आए वो आपका टोटल टी ले लो टी समझा गया आपको प्लीज टाइप करो टी समझा होगा तो ये टोटल टी आ गया आपके पास एलेवन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड बताओ फटाफट चलिए अब निकालते टी वन टी टू टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ये निकाल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप ओके okay, ये स्टेप बाय स्टेप निकाल लेते हैं अब टी वन यानी क्या होता है टी वन मतलब जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे नॉन बिजनेस के लिए यूज हुआ एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए यूज हुआ तो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए मतलब क्या रेंट एट्रीबेबल टू पर्सनल तो उसका जीएसटी ले लिया ओके okay, उसका जीएसटी ले लिया और आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया उसका तो इसमें अगर आप ये टेबल में देखोगे तो दो ऐसे आइटम थे जो नॉन बिजनेस के ओके okay, एक तो रेंट वाला और एक आपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया तो ये आपका आ गया यहाँ पे टीवन टीवन समझा क्या आप सभी को टीवन समझा क्या बेटा ठीक है अब आप टी टू निकालो टी टू मतलब जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल के लिए तो जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट और नॉन टैक्सेबल के लिए है मतलब ये वाला और ये वाला ये तो टैक्सेबल के लिए था जीटीए जीटीए एक्सक्लूसिवली हमने एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल के लिए खरीदा तो अगर वो तो वो हमने ले लिया फोर थाउजेंड वन थाउजेंड यह आपका एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई का निकल गया वो निकल गया टी टू ओके उसके बाद में टी थ्री टी थ्री में ब्लॉक क्रेडिट ढूंढो दो ब्लॉक मिलेंगे कैब सर्विस और फ्री सैंपल एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल टैक्सेबल आइटम का नाइन नाइनटी उसके बाद में, में रिवर्स चार्ज जो टैक्सेबल का फाइव थाउजेंड तो आपका ये टी फोर आ गया टी फोर कितना है नाइन नाइनटी फाइव यहां तक समझा क्या वो टी का टेबल टी के टेबल से आपको फटाफट मिल जाएगा ओके टी के टेबल को ही आपको बायफरगेट करना है कौन सा यहाँ पे ओके नॉन बिजनेस है कौन सा यहां पे एग्जाम है ये समझ में आया क्या कौन सा नॉन बिजनेस है कौन सा एग्जाम है ये वहां से आपको फटाफट समझ में आ जाएगा चार। बोलो फटाफट यहां तक समझा क्या यह नो फटाफट टाइप करो नहीं ये सॉल्व करके देखना बेटा बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है उसके बाद में आते हैं सीवन सीवन जो है यहाँ पे कैसे निकला तो T -T1 +T2 T3 माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री तो ये आपका क्रेडिट तो आप लो, लो, लो c2 जो है टी फोर डिडक्ट करके अब तो बेटा अगर आपको याद नहीं होगा रूल फोर्टी टू तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ये कोर्स में सिर्फ आपको लिंक करवा सकता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता हूं अगर याद नहीं आ रहा होगा तो पहले रूल फोर्टी टू पढ़ो हमारा चार्ट पढ़ो और चार्ट के बाद ये देखो तो आपको जरूर समझ जाएगा और इस पर प्रैक्टिस चाहिए ग्रीप आने के लिए प्रैक्टिस चाहिए तो आपका कॉमन क्रेडिट आया वन लैख एलेवन थाउजेंड फिर हम निकालेंगे डी वन ओके फिर हम निकालेंगे डी वन ठीक है तो डी वन कैसे निकलेगा तो डी वन यहाँ पे ई बाय इन टू सी टू अब ई e बाय कितना है अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ई e. अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ई जो है

और आपका एफ देखो क्या है एफ आपका 42 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 8 भाई ये 8 क्या है 8 बेटा वो जो स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यू वो भी लेना पड़ेगा हां ये भूल जाओगे स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यू है वो भी लेना पड़ेगा और वो ओपन मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा उसका रीजन भी देना पड़ेगा रूल 29 तो वो आप ले रहे हो 8 यहाँ पे तो आपने वो 8 ले लिया मतलब मैं इतने क्वेश्चन इतने अच्छे से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ ना ये अगर सॉल्व कर लो तो आपको आई का पूरा व्यू मिल जाता है ये अगर सॉल्व कर लो तो पूरा व्यू मिल जाता है तो ये आपका एफ आया मतलब आपको ये भी समझ जाएगा कि स्टॉक ट्रांसफर की वैल्यू लेनी पड़ेगी ओके okay, ये आपका आया डी अब यहाँ डी निकालने की जरूरत है क्या तो नहीं यहाँ डी निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि कोई कॉमन डी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई कॉमन बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए नहीं है एक रेंटिंग था तो रेंटिंग पे हमने यहाँ पे ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेंटिंग को हम वन थर्ड निकाल सकते तो हमने यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसलिए आपके बिजनेस और नॉन बिजनेस कॉमन नहीं है बिजनेस और नॉन बिजनेस का कोई भी ऐसा इनपुट कॉमन नहीं है इसलिए मैंने डी नहीं निकाला आप सी थ्री कैसे निकालोगे जो आई आपको कॉमन का आई कितना तो एटी फाइव थ्री एटी फाइव आपका कॉमन का आई होगा ठीक है जो स्टॉक ट्रांसफर है रूल ट्वेंटी एट से आपका वैल्यूएशन होगा मैंने उसकी नोट यहाँ पे दी है टिप नंबर फोर

ओके okay, दो तरीके आईटीसी लेने कैलकुलेट करने के कौन से दो तरीके आईटीसी कैलकुलेट करने के लिए तो आप जो है टी फोर आपने जो टी फोर निकाला था टी फोर यहाँ पे एक मिनट नहीं सॉरी सॉरी आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ट्रांसफर किया था क्योंकि आपने जितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर किया उतना आईटीसी आपको मिलेगा तो एलेवन लाख सिक्स थाउजेंड आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर किया और आपका रिवर्सल कितना आया ट्वेंटी फाइव सिक्स फिफ्टीन

ओके okay, जो कॉमन है कॉमन में कहा एग्जाम निकाल दो तो प्लस आपने एटी फाइव थाउजेंड थ्री एट फाइव यह भी उतना ही आता है ओके okay, ये जो कॉमन का क्रेडिट प्लस आपका टैक्सेबल का क्रेडिट लेकिन ऐसे से ज्यादा आप हो जाओ तो, ये तरीका अच्छा है कि टोटल कितना क्रेडिट लेजर में आया माइनस एग्जाम का मैं रिवर्स कर दूं तो आपका अमाउंट जो आता है वो अमाउंट यहाँ पे टेन लैक्स एटी थाउजेंड थ्री एटी फाइव आता है तो नेट जीएसटी पेबल क्योंकि आपका जीएसटी एक्सेस है तो नील और कैरी फॉरवर्ड ये हो जाएगा प्लस अब अब जीएसटी क्रेडिट एडजस्ट हो गया अब जो रिवर चार्ज वाली लाइबिलिटी रिवर चार्ज तीनों पे आएगा ध्यान सुनेगा रिवर चार्ज तीनों पे आएगा क्रेडिट एक का ही मिला जो हमने ले लिया पर रिवर चार्ज तीनों पे आएगा पांच परसेंट के हिसाब से उसकी नोट डाल देना कि भाई रिवर चार्ज में लाइबिलिटी है और इस तरह से टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी दस आई ओके तो आपको ये टैक्स पे करना है ये समझा क्या बेटा ओके ये समझा क्या आपको प्लीज बताओ चलो हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन ये कैपिटल गुड्स का लोकेशन है कैलकुलेटर हाथ में रखना कैपिटल गुड्स का लोकेशन है Just a minute. चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री यहां लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ठीक है मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर टू टैक्सेबल गुड्स अल्फा बीटा एंड वन एग्जाम प्रोडक्ट ग्यामा ऑन फर्स्ट अक्टूबर मतलब अल्फा बीटा और एग्जाम एक मिनट एक मिनट अल्फा बीटा और ग्यामा ये टैक्सेबल है ये टैक्सेबल है ये है, है? October, है, ये है, है? है, है? ठीक ठीक बीटा बीटा से हो हो गया, गया, पहले टैक्सेबल था, अब वो गया, है? पर ये ना, मेरे पढ़ाने के बाद आपको भी पढ़ना पड़ेगा बीटा गोट एग्जामेशन एग्जाम अवेलेबल ऑन ग्यामा गॉट विद्रॉ गैमा अक्टूबर से टैक्सेबल हो गया गुड इन स्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ऑफ अल्फा बीटा गैमा इन मंथ ऑफ अक्टूबर नाइन टेन और सिक्स की सिचुएशन है टर्न ओवर दिया अक्टूबर का नाइन टेन सिक्स दिया है ठीक है एक्सवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ठीक है मशीनरी यू परचेस ऑन वन टेन ट्वेंटी जो मशीन है ये करंट पीरियड में वो चार्ट याद करो ये करंट पीरियड में खरीदी गई और ये तीनों के लिए यूज हो रही है तो मशीन यू मशीन यू ये तीनों के लिए यूज हो रही है और ये अक्टूबर में परचेज की गई ठीक है उसके बाद में मशीन वी

चलो ये मशीन यू हो गया मशीन वी हो गया मशीन डब्ल्यू परचेस ऑन ए वन टेन ट्वेंटी एक्सेज फॉर बींग एक्सक्लूसिव इन मैन्युफैक्चर ऑफ बीटा डब्ल्यू है और डब्ल्यू जो है अक्टूबर में परचेस हुई और वो ओनली बीटा के लिए यूज हो रही है वो ओनली बीटा के लिए यूज हो रही है मतलब ये मशीन एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए है एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए है वेरी गुड ये एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिवली है ओके okay. तो हमें स्मॉल ए स्मॉल बी मिल गए चार्ट अगर आपको याद होगा तो स्मॉल ए और स्मॉल बी हमें मिल गए ठीक है उसके बाद में यहां पे मशीन एक्स परचेस इन अक्टूबर वन थ्री इयर्स बिफोर 11020xx फॉर बिंग एक्सक्लुसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट गामा फ्रॉम 11020xx सच मशीन वाज तीन साल पहले परचेस की गई थी

वो एक अक्टूबर से अल्सो अल्सो का मतलब ये है कि वो एक अक्टूबर से अब ओके बीटा बीटा और गैमा के लिए यूज हो रही है है ना देखो कैसा है जब मशीन एक्स यूज हो रही थी ओके okay, तो वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज हो रही थी ठीक है अब वो यहां पे आज के करंट स्टेशन अक्टूबर में अक्टूबर में एग्जाम प्लस टैक्सेबल दोनों के लिए यूज हो रही है मतलब ओके एग्जाम टू कॉमन में आई है एग्जाम टू कॉमन में आई है ये मशीन ठीक है एग्जाम टू कॉमन में आई है उसके बाद में मशीन जेड परचेस ऑन अक्टूबर टू इयर्स बिफोर ऑन टेन ट्वेंटी एक्सेस फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल थ्री प्रोडक्ट्स तो मशीन जेड जो है ये पहले से कॉमन में है ओके ये पहले से कॉमन में ऑलरेडी फॉर कॉमन ऑल कॉमन ऑल कॉमन ठीक है उसके बाद में

यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया और रॉ मटेरियल मेटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्फा परचेस इन अक्टूबर ठीक है रॉ मटेरियल बीटा ये भी अक्टूबर का है और रॉ मटेरियल गामा ये ये भी अक्टूबर का है है ये तो सब रिलेवेंट मंथ की कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द अक्टूबर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना क्रेडिट लेना है अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज्यूम दैट प्रोक्यूरमेंट मेड बाई कंपनी आर फ्रॉम द स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश यानी सब आई जीएसटी का एज्यूम करो सिमिलरली कंपनी सेल ऑल द प्रोडक्ट इन स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश मतलब सभी सेल आई जीएसटी के एज्यूम करो आई जी एस टी एटीन परसेंट ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आई टी सी हैज बीन कम्पलाइड विद इग्नोर इंटरेस्ट इफ एनी एंड मेक द सुटेबल एज्यमशन वेरीवर रिक्वायर्ड चलो तो अब पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको इनपुट्स कहीं पर भी कॉबन नहीं है हमको रूल फोर्टी टू लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इनपुट्स उन्होंने एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव बता दिया है कि एक्सक्लूसिव अल्फा एक्सक्लूसिव बीटा और एक्सक्लूसिव गामा तो इनपुट कॉमन नहीं है इसलिए फोर्टी टू लगाने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ टैक्सेबल के लिए रहेंगे उसका क्रेडिट ले लेंगे ले और जो एग्जाम के लिए उसका क्रेडिट नहीं लेंगे इसलिए रूल फोर्टी टू लगाने की जरूरत नहीं है पर आपको रूल फोर्टी थ्री लगाना पड़ेगा सुनना मेरी बात आपको रूल फोर्टी थ्री लगाना पड़ेगा रूल फोर्टी थ्री में ओके अब मुझे क्या आता है तो रूल फोर्टी थ्री में अगर मैं आपको ये बोलूँ तो मेरे लिए काम का अभी जो है ओके इस मंथ में क्या खरीदा वो मेरे काम का है ओके इस मंथ में क्या खरीदा वो मेरे काम का है और जो स्विच हुआ वो मेरे काम का है ओके जेड़ मेरे कोई काम का नहीं सर जेड़ क्यों काम का नहीं जेड पहले से कॉमन है तो उसका क्रेडिट पहले से एट्रीब्यूट हो गया होगा अगर आप पूरा रूल फोर्टी थ्री देखते हो तो जो हमने इस मंथ में खरीदा ओके वो वो मेरे काम का है और जो स्विच हुआ वो मेरे काम का है पहले से कॉमन है तो उसके क्रेडिट पहले से अट्रीब्यूट हो चुके थे ओके okay, तो मैं अब वो जो है वो कंसिडर नहीं करूंगा चलिए तो अब टेबल देखो टे, प्रैक्टिस जरूर करना सॉल्व करके जरूर देखना अमाउंट ऑफ आई टी सी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैपिटल यू का पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ओके आई टी सी अब मैं आपको ये बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में किसका क्रेडिट जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर चार्ट याद होगा तो क्लॉज ए जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे एग्जाम का है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्लॉज बी जो एक्सक्लूसिवली ओके टैक्सेबल का है उसका आईटीसी मिल जाएगा और दूसरी बात ओके okay, जो स्विचिंग हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा ये अगर आप निकाल रहे हो तो देखो वो कैसे निकालना है ओके okay, आपको तो ऐसे सिचुएशन में ओके मशीन यू यू आपका अभी जो है वो कॉमन यूज हो रहा है कॉमन यूज हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा मतलब आपका लेजर तो yes, में अमाउंट जाएगा ये भी क्रेडिट लेजर में अमाउंट जाएगा ओके okay, जो एक्सक्लूसिवली सुनो जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है तो वो जो एक्सक्लूसिवली यहां पे एग्जाम के लिए वो क्रेडिट नहीं जाएगा जो कैपिटल गुड्स से जो कैपिटल गुड्स सुनो जो कैपिटल गुड्स आपका एग्जम से कॉमन में आया एग्जाम से कॉमन में आया उसका पूरा पुर, क्रेडिट आपका क्रेडिट लेजर में आएगा जो टैक्सेबल से कॉमन में आया उसका क्रेडिट आप ऑलरेडी ले चुके हो तो उसका नहीं मिलेगा और जेड का तो आप ऑलरेडी एंट्रीब्यूट कर चुके हो तो उसका नहीं मिलेगा यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्लस आपका रॉ मटेरियल जो अल्फा से टैक्सेबल से मिल जाएगा जो बीटा अभी अक्टूबर में एग्जाम इसलिए नहीं मिलेगा और जो गैमा है इसका आपको मिल जाएगा तो आपका टोटल 189 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शिफ्ट होगा चलो पहला सवाल उन्हें पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना शिफ्ट होगा तो कैपिटल गुड्स का और इतना ओके okay, मैंने आपको ये बताया था जो जो यहाँ पे कॉमन है उसका भी टीसी में ऐड होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा ओके okay, जो एक्सक्लूसिव है उसका भी जाएगा ओके okay, जो यहाँ पे स्विच हुआ जो एग्जाम से कॉमन में स्विच हुआ वो भी टीसी में ऐड होगा ओके okay, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड होगा लेकिन जो टैक्सेबल से कॉमन में आएगा उसका टीसी में तो ऐड होगा पर क्रेडिट लेजर में नहीं ऐड होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीसी जब लेंगे तो उसमें लूंगा पर क्रेडिट लेजर में ऐड नहीं होगा क्योंकि उसका क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका हूं उसके बाद में जेड जो है जेड पे पहले से कॉमन है इसका कोई रिलेवेंस नहीं है और इनपुट का क्रेडिट मैंने ले लिया चलिए अब मैं ओके कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइल कैपिटल गुड्स U X Y Z मैंने सारी मशीन इसमें ले ली ओके यहाँ तक है एक मिनट हाँ नहीं नहीं मुझे Z भी लेना पड़ेगा Z का अभी ये मंथ का हाँ ये मंथ का आई टी सी जो है मतलब क्रेडिट में नहीं आएगा Z ओके Z क्रेडिट में नहीं आएगा पर उसका ये मंथ का एट्रिब्यूशन तो निकालना पड़ेगा यस yes. ये तो ऑलरेडी कॉमन यूज़ हो रहा है ना तो ये मंथ का एट्रीब्यूशन उसका निकालना पड़ेगा मैंने आपको बोला था कि रिमेनिंग मंथ का हर मंथ में एट्रीब्यूशन निकलेगा तो जेड जो है पहले से जो कॉमन यूज हो रहा है उसका भी इस मंथ का एट्रीब्यूशन निकलेगा कितना है तो मैंने यहां पे यू, एक्स, वाई, मतलब यहां पे मतलब जो यू मेरा कॉमन है वो ले रहा हूं एक्स स्विच हुआ इसलिए ले रहा हूं Y ये हुआ इसलिए ले, ले रहा हूं और Z पहले से कॉमन है तो इस मंथ का भी एट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका रिमेनिंग लाइफ हर मंथ में जो टर्न उसके बेस पे एट्रीब्यूशन निकलता है तो चलो ये जो कॉमन है एट्रीब्यूशन देखो कैसे निकला देखो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो यहां पे यू का थर्टी सिक्स एक्स का 90, ये तो क्रेडिट लेजर में जाएगा ये कॉमन है और एक्स जो है स्विच हुआ एक्जम टैक्सेबल में तो ये आपका क्रेडिट लेजर में जाएगा पर टी जो है टीसी जो है सबका आई टी सी इवन टैक्सेबल हाँ टीसी लेते वक्त सबका ओके okay, जो कॉमन यहाँ पे ये टेबल सिर्फ कॉमन मशीन का रहेगा कॉमन मशीन के मैं आपको अगर याद होगा तो ओके okay, जो ये मंथ में खरीदी थी वो प्लस सुनो वो प्लस जो स्विच हुआ उसका टीसी में एड होगा प्लस जो टैक्सेबल से कॉमन में हुआ उसका भी एड होगा टैक्सेबल से कॉमन में आया उसका भी एड होगा और जो पहले से कॉमन में वो भी टीसी में लिया जाएगा टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी तो आपका टी एम निकल जाएगा फिर टी एम से आप टी e निकाल लोगे टी e आप ई बाय एफ़ के रेशियो में निकाल लोगे जो दिया है टेन और एफ टोटल ट्वेंटी फाइव अगर आप प्रॉब्लम देखते हो तो ई e बाय एफ में उन्होंने दिया गया है ओके टोटल आपका ट्वेंटी फाइव है जिसमें का अभी करंट एग्जाम कौन सा है बेटा करंट एग्जाम आपका बीटा है तो बीटा का आपका टेन लैक्स है टोटल ट्वेंटी फाइव है तो ये मत का आप ई बाय एफ़ निकाल लोगे ओके इस रेशियो में आपका

थर्टी सिक्स मंथ हो चुके हैं आपकी यूजफुल लाइफ सॉरी बेटा तीन साल के आपके थर्टी सिक्स मंथ हो चुके हैं ओके okay, तो यूजफुल लाइफ पाँच साल है सिक्सटी माइनस थर्टी सिक्स गए तो ट्वेंटी फोर इस तरह से बाकी का भी आपको जितनी यूजफुल लाइफ बची वो निकालना पड़ेगा ट्वेल्व एंड थर्टी सिक्स और आपको टी आई ई टी आई ई निकालना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और वो टी आई ई जो है वो फिफ्टी फोर थाउजेंड निकलेगा आपका किसका एग्जाम का सॉरी एक मिनट एक मिनट फिफ्टी फोर थाउजेंड यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा वो बायिस्टेक वा यहाँ फिफ्टी फोर थाउजेंड टी आई कैसे निकलेगा टी आई आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे वाई जो है एक्स 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 जो है एग्जाम से कॉमन में आया तो कुछ पीरियड वो एग्जाम में यूज हुआ तीन साल वो एग्जाम में यूज हुआ तीन साल मतलब कितने क्वार्टर यूज हुआ तो तीन साल के क्वार्टर अगर हम ले तो ट्वेल्व क्वार्टर्स वो एग्जाम में यूज हुआ तो ट्वेल्व क्वार्टर्स अगर वो एग्जाम में यूज हुआ तो नोट टू के हिसाब से ओके अगर हम नोट टू ले तो यहाँ पे फाइव परसेंट पर क्वार्टर नाइन्टी थाउजेंड उसका जीएसटी है और तीन साल मतलब ट्वेल्व क्वार्टर फिफ्टी फोर थाउजेंड वो एग्जाम के लिए यूज हुआ तो आपने पूरा क्रेडिट लिया पर एग्जाम पीरियड का आपको पे करना पड़ेगा तो ये आपका आ गया टीआई आई तो अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट तो आपका कॉमन क्रेडिट जो है जो आपका टी है ये आपका टी ये है और उंट एट्रीबेबल टू एक्जाम सप्लाई तो एग्जाम सप्लाई के लिए आपने जो ई बाका एग्जाम सप्लाई आया okay. और वो अमाउंट आपने निकाला एग्जाम सप्लाई से कितने नौ उसके बाद में कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी ऑक्टोबर पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो उसका अल्फा अल्फा का टर्न ओवर है नाइन लैक्स अल्फा का टर्न ओवर है नाइन लैक्स वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड बीटा बीटा भी एग्जम हुआ ग्यामा ग्यामा का सिक्स लाख ,00 से जीएसटी टोटल आई जी एस टी पेबल आउटवर्ड सप्लाई टू लैक सेवेंटी ,00 थाउजेंड अमाउंट तो तो टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर यूज ऑफ कैपिटल गुड्स इन एग्जम सप्लाई एग्जाम सप्लाई में आपने जो कैपिटल गुड्स यूज किया यानी टी आई उसको टी आई पे करना पड़ेगा क्योंकि जो स्विचिंग हुआ टोटल उसको थ्री ट्वेंटी फोर हाँ टीआई आपको आउटपुट टैक्स में ही एड करना है टीआई आपको आउटपुट टैक्स में ही एड करना है तो थ्री ट्वेंटी फोर उसका लाइब्रिलिटी आई आई टी सी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मैंने आई टी सी कितना लिया तो आपका पहला टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का आया वो आपने टोटल वन एटी नाइन लिया है आई टी सी तो आपका वन एटी नाइन आई टी सी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है ओके okay, माइनस आपका टी ई जो आपको इसमें से रिड्यूस करना है तो टीई आप उसमें क्या आई टी सी जो एट्रीब्यूटेबल टू तो एग्जाम रिड्यूस करोगे तो नेट इतना आपको मिलेगा ओके okay, ये आपकी जीएसटी एस है मैंने ठीक है ये मैंने आपको बताया ये समझ में आया बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यहां पे आंसर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एस प्राइवेट लिमिटेड एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट जेड वो सिर्फ गुड्स बेचती है एक्सक्लूसिवली जो एग्जम्प्ट है अंडर जीएसटी द कंपनी सेल्स ओनली विद इन तमिलनाडु सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई है द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर वाज 55 लाख पिछले साल उसका टर्नओवर 55 लाख था कंपनी एक्सपेक्ट द सेल्स टू ग्रो बाय 20% इन द करंट ईयर तो चलो मैं कुछ डेटा कलेक्ट करता हूं वो एग्जम सप्लाई कर रही है सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई है

तो मैं ये इवेंट को कलेक्ट कर लेता हूँ कैपिटल गुड जेड खरीदा वन सेवन को खरीदा वैल्यू ट्वेंटी लैक्स है और जी एस टी एटीन परसेंट है जीएसटी एटीन परसेंट ठीक है, है? यहाँ पे नेक्स्ट वापस आता हूँ हमारे प्रॉब्लम पे इनपुट परचेज बाय एस एन पी प्राइवेट लिमिटेड विच आर स्टिल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो एटीन टेन को खरीदा था जी एस टी ट्वेल्व परसेंट मैं वापस हमारे इस पे आता हूँ इनपुट खरीदा था ट्वेंटी एट टेन को स्टिल डब्ल्यू आई में अभी भी पड़ा हुआ है जिसका रेट ट्वेल्व परसेंट है और थर्टी सिक्स थाउजेंड का इनपुट पड़ा हुआ है ठीक है उसके बाद में हाउ एवर विद इफेक्ट फ्रॉम वन एलेवन ट्वेंटी एक्स एक्स एग्जम्पन अवेलेबल ऑन जेड वॉज विन एग्जम्शन विद्रॉ हो गया और जीएसटी ट्वेल्व परसेंट वॉज इम्पोज टर्न ओवर ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट हाफ ईयर

ऑन फिफ्टीनबर एंड गॉड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन ट्वेंटी नवंबर अब आपको ये देखना है कि उसने अप्लाई किया फिफ्टींथ नवम्बर को और आर सी आई बीस नवंबर को अब ये पूरा डिस्कशन के पहले मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के रजिस्ट्रेशन चैप्टर के कुछ सेक्शन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा सेक्शन ट्वेंटी टू सेक्शन ट्वेंटी थ्री और सेक्शन ट्वेंटी फोर सेक्शन ट्वेंटी फोर ठीक है सेक्शन 22 कहता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्न अगर आपका एग्रीगेट टर्न ओवर दस लाख बीस लाख और कुछ केसेस में चालीस लाख तक रहता है तो आपको थ्रेश मिलता है जैसे ही ये क्रॉस करेगा आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है चालीस लाख का लिमिट कब मिलता है जब आप एक्सक्लूसिवली जब आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको चालीस लाख की लिमिट मिलती चालीस लाख तक का थ्रेश है क्लियर उसके बाद में सेक्शन ट्वेंटी थ्री कहता है ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सब आएगा ट्वेंटी थ्री ये कहता है इफ यू आर एक्सक्लूसिवली एंगेज एक्सक्लूसिवली एंगेज एंगेज इन एग्जाम सप्लाई इन एग्जाम सप्लाई अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन नो नीड ओके आप एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ठीक है इसका मतलब यह है कि इवन दो आपका एग्रीगेट टर्न क्रॉस हो गया हो पर आप एक्सक्लूसिवली अगर एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है पर सेक्शन 24 कहता है कि अगर इंटरेस्टेट सप्लाई कर दिया तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन इंटरास्टेट होगा तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है ठीक है मतलब क्या हुआ कि ये जो एसपी प्राइवेट लिमिटेड है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्न ओवर पच फिफ्टी फाइव लैक्स था इवन दो एग्रीगेट टर्न ओवर उसका फिफ्टी फाइव लैक्स था पिछले साल लेकिन पिछले साल कंप्लीटली वो एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं अगर वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है पिछले साल तो वो सिचुएशन में अगर कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे सेक्शन 23 के हिसाब से इवन दो उसने 40 लाख क्रॉस कर दिया होगा रजिस्ट्रेशन तो लेने की जरूरत नहीं है ओके okay, मतलब पिछले साल वो अनरजिस्टर्ड था और उसका एग्जाम सप्लाई भी था पिछले साल वो अनरजिस्टर्ड था और उसका एग्जाम सप्लाई भी था ठीक ठीक है, है। उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया इवन दो फोर्टी क्रॉस हुआ पर ट्वेंटी थ्री अप्लीकेबल हो जाएगा उसके बाद में करंट फाइनेंशियल ईयर आया अब करंट फाइनेंशियल ईयर में आगे क्या कहा है उन्होंने उसने एक मशीन खरीदी और एक कैपिटल गुड्स खरीदा 17 को ओके तो यहाँ पे 17 को एक्सएक्स को एक कैपिटल गुड्स खरीदा जो 20 लाख ,00 का था और जिसके ऊपर जीएसटी 18% ठीक है उसके बाद में उसने इनपुट खरीदा ओके और इनपुट जो खरीदा उसने 28 10 को इनपुट खरीदा जिसका अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है 36000 का ठीक है टर्नओवर टिल 19 एक्स एक्स वन नाइन एक्स एक्स मतलब यहां पे पहले हाफ ईयर का सप्टेम्बर का टर्न और उसका फोर्टी लैक्स टच हो चुका था लेकिन लेकिन उसका प्रोडक्ट अभी भी एक दो फोर्टी लैक्स टच हुआ है लेकिन उसका प्रोडक्ट अभी भी एग्जाम सप्लाई है और वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में है इसीलिए वो अभी भी अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है सेक्शन ट्वेंटी थ्री उसको प्रोटेक्शन देता है कि तू एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में होगा इवन दो तेरा करंट ईयर में चालीस लाख क्रॉस हो गया होगा पर तू अनरजिस्टर्ड है ओके तो तू अनरजिस्टर्ड रह सकता है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड है फिर कहा गया उसका एग्जाम्शन विड्रॉ हुआ एक ग्यारह तो एक ग्यारह को ओके तब तक वो एग्जाम में ही था और अनरजिस्टर्ड भी था एग्जाम में था और अनरजिस्टर्ड था और उसका एग्जम्शन विड्रॉ हुआ और फर्स्ट नवंबर को एग्जाम विद्रॉ अब एग्जाम ग्यारह का हुआ तो वो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो गया और वो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन कब हुआ चालीस लाख पे नहीं चालीस लाख पे नहीं क्योंकि वो तो सेक्शन उसको प्रोटेक्ट करता है जब तक तू एग्जाम में रजिस्ट्रेशन मत ले तो अब उसको थ्रेश लिमिट नहीं लगती है अब ट्वेंटी थ्री प्रिवेल कर लेता है ओके को उसका एग्जामेशन विड्रॉ हो गया और वो लाइबल हो गया जैसे ही लाइबल हो गया उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया पंद्रह ग्यारह को पंद्रह ग्यारह को उसने अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसका आरसी आ आया यहां पे बीस ग्यारह को बीस ग्यारह को उसका आरसी आया ठीक है अब वो यहां पे आगे रजिस्टर्ड हो गया एन एग्जामेशन विड्रॉ और वो अब एंड एग्जामिशन विद्रॉ और यहाँ पे टैक्स भी आ रहा है और आपकी ये कट अपडेट है अब सवाल क्या है सवाल ये है कि यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पे यहां तक समझ में आया क्या बेटा प्लीज बताओ यहां तक समझ में आया क्या समझ में आया होगा तो ई टाइप करो समझ में आया होगा तो ई टाइप करो बोलो फटाफट यहां तक आया समझ में आपके यस yes. यहां तक आपके समझ में आया अब आप मेरे को बताना सेक्शन एटीन वन में चार केसेस है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड टू वॉलेंटियर रजिस्टर्ड पहली दो केसेस होगी तो आपको जो है सिर्फ इनपुट का आई टी मिलता है जो स्टॉक में है जो स्टॉक में है बाकी का नहीं मिलता है ठीक है सिर्फ इनपुट का मिलता है और उसके बाद में अगर आप सीएल से नॉर्मल में आ रहे हो सुनिएगा आप सी से नॉर्मल में आ रहे हो और एग्जाम से टैक्सेबल में आ रहे हो तो आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स का कहा जाएगा अब सवाल यह कि आपकी ये जो केस है यह केस ए की मानी जाएगी कि डी की मानी जाएगी क्योंकि मेरी यह केस फंस जाती है और मेरी केस इस दोनों में आती है इस डेट तक मैं अनरजिस्टर्ड था सेक्शन ट्वेंटी थ्री के हिसाब से और बाद में रजिस्टर्ड हुआ और तीस दिन में अप्लाई किया तीस दिन में अप्लाई किया तो यह केस ए क्लॉज ए की मानी जाएगी या फिर मैं एग्जाम से टैक्सेबल हुआ तो डी की मानी जाएगी सर दोनों का बायफ्रगेशन क्यों दोनों का बायफर्गेशन इसलिए कि अगर ये केस Clause A की मानी गई अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर तो सिर्फ आपको इनपुट का जो स्टॉक है उसका ही ITC मिलेगा अगर ये case clause D की मानी गई तो ये capital goods और इनपुट दोनों का भी ITC मिलेगा और फाइव परसेंट रिड्यूस करके मिलेगा तो आपका क्या कहना है case clause A का माना जाएगा मतलब अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड या एग्जम टू टैक्सेबल डी का माना जाएगा आपका क्या कहना है ए या डी बोलो फटाफट ए या डी बोलो फटाफट ठीक है तो ऐसे केस में ओके okay, मैं आपको बता दूं ये केस डी का नहीं माना जाता है अगर आप अनरजिस्टर्ड थे तो ये केस ओके okay, ए का माना जाएगा ये हमारे इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में यहाँ पे क्लियर और मटेरियल में दिया अगर आप प्रायोरिटी अनरजिस्टर्ड को दी जाएगी और कि ये केस डी का नहीं ए का माना जाएगा और ए का माना गया तो आपने तीस दिन के अंदर अप्लाई कर दिया जब से आप लाइबल हुए तब से तीस दिन के अंदर आपने अप्लाई कर दिया तो ऐसे केस में अगर ये क्लॉज ए का माना गया तो सिर्फ आपको इनपुट के स्टॉक का यानी जो का स्टॉक पड़ा है उसका ही आईटीसी मिलेगा कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा सर हम एग्री नहीं है तुम्हारे एग्री होने से कुछ नहीं होगा अगर आप, अगर आप मिक्स हो जाता है ए और डी तो आप प्रायोरिटी ए को दोगे और वो अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड का केस माना जाएगा और अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड का केस माना जाएगा तो आपको मशीन का आईटीसी नहीं मिलेगा आपको सिर्फ इनपुट का आईटीसी मिलेगा ओके आई होप आपको समझा होगा मन माने या ना माने मना लो इसलिए अगर वन का आंसर हम देखते हैं सिचुएशन ए के वन का आंसर हम देखते हैं मैंने तो सारी पहले लीगल प्रोविजन दी है ये लीगल प्रोविजन आप पढ़ सकते हो मैं डायरेक्ट वन के आंसर में आता हूं ओके इन गिवन केस एग्जाम्शन विच इज अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट इज विद्रॉन फ्रॉम फर्स्ट नवंबर है टर्न ओर ऑफ एस एन पी प्राइवेट लिमिट प्रसिडिंग अपलीकेबल थ्रेशर रजिस्ट्रेशन बट एक्लूजिव एंगेज इन दप्लाई ऑफ गुड्स एंड दस अपलीबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर 1st नवेंबर ओके वो सेक्शन 23 में यहाँ पे लिख सकते हो सेक्शन 23 में ओके okay, वो कवर था एक्जन में कवर था इसलिए वो लाइबल जो होगा फॉर रजिस्ट्रेशन वो फर्स्ट नवंबर से लाइबल होगा अगर वो फर्स्ट नवंबर से लाइबल होगा तो 30 दिन में उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है अगर 30 दिन में अप्लाई कर दिया है तो वो सिचुएशन में उसको कैपिटल गुड्स का आई नहीं मिलेगा उसको सिर्फ इनपुट का आई मिलेगा सेक्शन एटीन वन ए उसको अप्लाई किया जाएगा और सेक्शन एटीन डी नहीं होगा ए होगा और कैपिटल थी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को इनपुट का छत्तीस दिया जाएगा ट्वेल्व परसेंट okay, okay, तो तो इतना ही आई टी सी दिया जाएगा भाई ये समझा क्या समझा होगा तो वन टाइप करो समझा होगा तो वन टाइप करो ठीक है यहां पे चलो अब सेकेंड लेते हैं लेते हैं अब सेकंड क्या कहता है वो वट वुड बी योर आंसर ए प्रोडक्ट जेड एग्जाम बट प्राइवेट लिमिटेड वॉल्ट्री टेक रजिस्ट्रेशन ऑफ जी एस टी ऑन ट्वेंटी सर्टिफिकेट ऑन एलेवन वन एलेवन आपका आंसर क्या होगा अगर उसने वॉलट्री रजिस्ट्रेशन लिया होगा अगर वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसको आर सी आई एक ग्यारह को तो अगर उसकी आर सी एक ग्यारह को आई अब वो वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन में आता है तो ऐसे केस में भी उसको सिर्फ इनपुट का आई मिलेगा जो यहां पे थर्टी फर्स्ट अक्टूबर का रहेगा कैपिटल गुड्स का नहीं है मिलेगा तो ऐसे केस में सेकंड का आंसर देखो क्या है ओके इन गिवन केस लिमिटेड रजिस्ट्रेशन ऑन उसकी प्रोसीडिंग डेट थर्टी अक्टूबर ही मानी जाएगी कैपिटल गुड्स के आई जो है वो नहीं ले सकता सिर्फ इनपुट के ही मिलेंगे और आंसर सेम रहेगा कि उसको इनपुट्स के क्यों क्योंकि उसकी केस क्लॉज बी की मानी जाएगी ओके okay, और ये रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया में आएगी इसलिए यहाँ पे उसको सिर्फ इनपुट का ही क्रेडिट मिलेगा ओके okay, तो ये था यहाँ पे सेकंड उसके बाद में थर्ड थर्ड वाला अच्छा है थर्ड वाला देखो क्या वट वुड बी योर आंसर इफ एस प्राइवेट लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ड्यू टू

लेकिन उसका अगर पहले से रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि कोई आरसीएम की लाइबिलिटी होगी तो ऐसे केस में अब जो है एक नवंबर का केस डी में आ जाएगा यानी एक नवंबर के पहले एग्जाम और एक नवंबर के बाद टैक्सेबल अब ए नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले से रजिस्टर्ड है तो अब ये केस टू टैक्सेबल में रहेगा और अगर ये एग्जाम टू टैक्सेबल में रहेगा तो ये क्लॉज डी में आता है और अगर ये क्लॉज डी में आता है तो ये सिचुएशन में सुनो ये सिचुएशन में उसको कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा और कैपिटल गुड्स का टोटल आईटीसी रिड्यूस बाय फाइव परसेंट पर क्वार्टर तो अगर मैं तीन का आंसर लूँ तो अब ये जो है एटीन वन डी में आता है ओके द एस एन बी कुड नॉट क्लेम आई टी सी ऑन मशीनरी टिल द टाइम ऑफ सप्लाई जेड फॉर विच द मशीनरी वॉज बींग यूज वॉज एग्जाम मतलब जब तक एग्जमशन पीरियड में तब तक नहीं पर फर्स्ट नवंबर जेड बिकम टैक्सेबल एंड कैपिटल गुड्स का आई टी सी वो क्लेम कर सकता है क्योंकि लिख दो एटीन वन डी में केस आएगा अकॉर्डिंगली डेट ऑफ परचेस ऑफ मशीनरी जुलाई में खरीदा था डेट इमीडिएटली प्रिस जो है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है आपके कितने क्वार्टर यूज किए तो दो कैलेंडर क्वार्टर अगर ये डोट लेते हैं तो ये ओके okay, आता है अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये डेट जुलाई अगस्त सितंबर में आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में प्रिसडिंग डे आता है मतलब दो क्वार्टर यूज किया तो आपका मशीन की वैल्यू बीस लाख थी उसका जीएसटी थ्री सिक्सटी था दो क्वार्टर का थर्टी सिक्स होता है तो थ्री सिक्सटी माइनस थर्टी सिक्स यानी आपको थ्री ट्वेंटी फोर का आई टी सी मिल जाएगा ओके okay, तो ये कैपिटल गुड्स का मिल जाएगा और इनपुट का आपको थर्टी सिक्स थाउजेंड पर मिल जाएगा यानी टोटल आईटीसी आप थ्री ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी ले सकते हो ओके okay, तो ये था कैपिटल गुड्स और इनपुट का आपको आईटीसी मिल जाएगा वापस आते हैं ऊपर की इस पर ओके okay, ये हमारा हो गया थर्ड और देखो वट विड बी योर आंसर इफ एस एन पी प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी रजिस्टर्ड जी एस टी अंडर कंपोजिशन स्कीम ओके और एक ग्यारह से वो नॉर्मल स्कीम में आ गया अगर वो सीएल में होगा सी एल में होगा और वह नॉर्मल में आ गया तो भी उसको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है तो आंसर सेम रहेगा एस थ्री ओके एस थ्री आंसर सेम रहेगा मतलब क्या मतलब ये कि अगर वो कंपोजिशन से नॉर्मल में आता है तो ओके okay, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है थ्री में उसको इनपुट का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी आई मिलेगा रिड्यूस बाय फाइव पर क्वार्टर यहां तक समझा होगा तो सभी लोग जो मेरे से कनेक्टेड है वो फोर टाइप करो सभी लोग जो मेरे से कनेक्टेड है वो फोर टाइप करो ओके okay, ये केस है बड़ा अच्छा केस है अलग अलग केसेस में एडजस्टमेंट कैसी होगी मैंने यहाँ पे देखा उसके बाद में नेक्स्ट दक्ष लिमिटेड अ रजिस्टर्ड मैनुफेक्चर डी इट्स यूनिट इन टू डीजी गोल्ड लिमिटेड एंड डीजी गोल्ड टेस्टिंग लिमिटेड टोटल वैल्यू ऑफ असेट ऑफ दक्ष लिमिटेड फोर्टी फाइव लैक्स एंड अनयूटिलाइज आई टी ऑफ सी जी एस टी एस जी आई आई जी एफ्टी सिक्स सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव रिस्पेक्टिवली वैलू ऑफ असेट ऑफ डीजी गोल्ड लिमिटेड एंड डीजी टेस्टिंग लिमिटेड ट्वेंटी लैक्स एंड ट्वेंटी फाइव लैक्स रिस्पेक्टिवली डिस्क द प्रोविजन रिगार्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ अन क्रेडिट अगर आपको सेक्शन एटीन थ्री याद होगा और डीमर्ज होता है वो बायफरगेट होगा बिटवीन सी जी एस टी और एच जी एस टी तो आपकी टोटल असेट फोर्टी फाइव लैक्स की थी और दो यूनिट में डीमर्ज हुआ तो आपका आई टी सी भी दो यूनिट में जाएगा अगर आप बी का एंसर देखते हो तो बी का एंसर यहां पर देखो बी का आंसर देखते हो तो बी का आंसर एटीन थ्री एटीन थ्री में अगर ओनरशिप चेंज होती है और आप डीमर्ज होते हो डीमर्ज के केस में जितनी असेट है उस असेट के रेशियो में अपोर्शन होगा जो भी आपकी वैल्यू ऑफ असेट होगी तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ असेट टोटल आपकी फोर्टी फाइव थी डीमर्ज में ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव होगा तो आईटीसी भी आपका जो अपोर्शन किया जाएगा वो अपोर्शन एटी सेवन थाउजेंड ट्रिपल वन और वन लैख ये असेट के रेशियो में आपका आईटीसी टी सी होगा जब भी आप अपोर्शन करते हो तो टोटल के बेसिस पे होता है। आपका टोटल आईटीसी कितना तो वन टोटल आया तो वन नाइनटी सिक्स नहीं कुछ गड़बड़ होगी आपका फिफ्टी सिक्स एक मिनट आपका आईटीसी कितना था तो आपका आईटीसी जो है 56, 65 और 75 ऐसा है वो एन सेवेंटी फाइव ऐसी टोटल आती है वन नाइनटी सिक्स तो यहाँ पे आपने सेवेंटी फाइव कर लेना सॉरी मीटर यहाँ सेवेंटी फाइव कर लेना सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो टोटल वन नाइन्टी सिक्स आती है और ये वन नाइन्टी सिक्स टोटल के बेस पर अपोर्शन किया जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इजी था अगर आपको ये समझा होगा तो सभी लोग बी टाइप करो बी टाइप करो अब सी पे आ जाओ इंडिया लिमिटेड हैज बीन फ्रॉम फ्रॉम वन सिक्स ट्वेंटी एक्स वाई मतलब okay, अब ये रिवर्स स्विचिंग है 16 तक वो एग्जम था लाइबल टू नाइन्स परसेंट रिस्पेक्टली फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन थर्टी फर्स्ट फाइव तो वो एग्जाम था सॉरी एग्जेंटेड फ्रॉम जीएसटी फ्रॉम वन सिक्स मतलब पहले वो टैक्सेबल था पहले वो टैक्सेबल था नाइन परसेंट ईच के हिसाब से अब वो एग्जाम हो गया थर्टी से, से, तो फर्स्ट तो अब यह रिवर्सिंग है टैक्सेबल से एग्जाम में आया अगर टैक्सेबल से exempt में आया तो हम क्या करते हैं थर्टी वन फाइव को जो स्टॉक होगा इनपुट का और कैपिटल गुड्स का प्रो डाटा बेसिस पे कैपिटल गुड्स का प्रो डाटा बेसिस पे हम आई टी सी निकालेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिवर्स करेंगे एक्स्ट्रा पेबल आया तो पे करेंगे नहीं तो बैलेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो लैप्स करेंगे ठीक है इनपुट लाइंग इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है प्रोसेस में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिफ्टी थ्री वन हंड्रेड है इनपुट कॉस्ट थर्टी परसेंट ऑफ वैल्यू मतलब जो फिनिश कॉस्ट की वैल्यू उसका थर्टी परसेंट इनपुट स्टॉक है आई टी सी ऑन कैपिटल गुड्स लाइंग इन स्टॉक जो सेवनटी नाइन को परचेस किया 90, है और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस वन है डिपार्टमेंट हैज ब्लू इंडिया लिमिटेड टू रिवर्स द क्रेडिट ऑन इनपुट्स अब हाउेज ब्लू इंडिया लिमिटेड दैट वंस द आईटीसी टेकन इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स व्हाट शुड बी द अमाउंट टू बी पेड बाय ब्लू इंडिया लिमिटेड ये गलत है ब्लू इंडिया का कहना है कि नहीं मैंने एक बार आई टी लिया तो मैं रिवर्स नहीं करूंगा ऐसा नहीं है सेक्शन एटीन कहता है कि अगर आप रिवर्स स्विचिंग में जाते हो मतलब टैक्सीबल्स एग्जाम में जाते हो तो आपको आई रिवर्स करने पड़ते हैं जो स्टॉक है जो कैपिटल गुड्स का प्रोडाटा बेसिस पे आपको रिवर्स करना पड़ता है ठीक है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा और आपके क्रेडिट बैलेंस से रिवर्स करना पड़ेगा वुड बी योर आंसर आंसर इन इन बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज ऑन होगा तो आपका क्या रहेगा चलिए ओके आप खुद सॉल्व करके देखोगे तो अच्छी बात है मैं आंसर तो आपको समझा देता हूँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एटीन फोर लगेगा और आपको रिवर्सल करने पड़ेंगे कैपिटल गुड्स के आपको प्रोराटा बेसिस पर रिवर्सल करने पड़ेंगे और अगर बैलेंस कुछ होता है आफ्टर रिवर्सल तो वो लैप्स हो थर्टी <coughs> in तो परसेंट जो फिनिश गुड्स में इनपुट है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड आया आपने निकाला इनपुट्स ऑन कैपिटल गुड्स आपने कैपिटल गुड्स जो यूज किया नाइन मंथ्स टेकिंग रेसिड्य तो आपने नाइन मंथ्स यूज किया है राउंड अप करके अगर आप डेट से निकालोगे तो आप नाइन मंथ्स हो जाएगा तो आपकी बची हुई लाइफ ओके फिफ्टी वन मंथ्स है तो प्रो डाटा बेसिस पे आपका कैपिटल गुड्स का क्योंकि पांच साल हम एज्यूम करें तो बची हुई लाइफ फिफ्टी मंथ्स है फिफ्टी वन मंथस है फिफ्टी वन मंथ्स है तो प्रो डाटा बेसिस पे कैपिटल गुड्स का रिवर्सल सेवेंटी आ जाएगा तो ये आपको रिवर्सल करना पड़ेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है वन सेवेंटी फाइव उसमें से वन सेवनटीन आप रिवर्स करोगे तो रिमेनिंग आपका लैप्स हो जाएगा कितना लैप्स हो जाएगा फिफ्टी सेवन थाउजेंड अगर आपका बैलेंस वन लाख टेन थाउजेंड होगा तो आपको रिमेनिंग पे जो भी एक्स्ट्रा है वो पे करना पड़ेगा लैब्स की जगह पे करना पड़ेगा तो चलिए ये हमने देखा सॉल्व करके देखना बहुत अच्छा प्रॉब्लम है सारी एडजस्टमेंट सेक्शन एटीन की मैंने इसमें कवर कर लिया जितने भी प्रॉब्लम लिए हर सेक्शन पे कॉम्प्रेंसिव प्रॉब्लम लिया है सारी एडजस्टमेंट कवर करने की कोशिश की है उसके बाद में ओके डी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट ट्वेंटी एक्स एक्स अग्रवाल एंड अग्रवाड़ अजिस्ट सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका परचेस वन मशीन ट्वेल्व लैक्स थर्टी नाइन थाउजेंड इंक्लूडिंग आई जीएसटी फ्राम वन सप्लायर ऑफ महाराष्ट्र हुए अगरवालिमिटेड और उसका आई टी सी भी ले लिया है मिसेज अग्रवाल अग्रवा लिमिटेड सोल दिस मशीन सप्लाई कर दिया आफ्टर यूजिंग द मशीन इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड सेवन लैक फिफ्टी थाउजेंड एक्सक्लूडिंग आई जी एस टी ज वेल सेल ऑफ मशनरी आई जी एस टी रेट इज एटीन परसेंट आपका आई जी एस टी रेट एटीन परसेंट है फॉलोइंग एक जो मशीन का आपने आई टी सी लिया ओके okay, ये बैकवर्ड कैलकुलेशन से आई टी सी निकालना पड़ेगा माइनस फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट डेयर ऑफ डेट ऑफ डिस्पोजल आपने जब मशीन खरीदी कब खरीदी फिफ्थ से लेकेटर आप मतलब आप तो आपको अमाउंट आएगी और जो बेचते वक्त वैल्यू थी उसका जीएसटी पे करना पड़ेगा तो अगर आप यहां पर डी की केस देखते हो तो ये देखो डी का केस जो है यहाँ पे एटीन सिक्स लगेगा सॉरी बेटा हाँ डी का केस देखते हो तो एटीन सिक्स लगेगा बेटा और ये एटीन सिक्स में ओके आप अगर मोल्ड और डाइज होगा तो फिर आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन वैल्यू पे पे करना पड़ेगा तो अगर आप केयरफुली देखते हो तो, हो तो मशीन का आई टी सी वन एटी नाइन है आपके यहाँ पे ओके सॉरी 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 आपके फोर नहीं फाइव क्वार्टर्स होते हैं क्योंकि आपने अगस्त अगस्त वो क्वार्टर में आता है

तो ये जो पांच क्वार्टर का आपका कितना आया 141750 रिड्यूस करने के बाद और उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 135 थर्टी फाइव विच एवर इज इतना आपको पे करना पड़ेगा ओके okay, इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा लेकिन अगर यही बेटा स्क्रैप हो तो यहां पे यही अगर आपका स्क्रैप सेल होगा ओके okay, तो वो केस में सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू पे पे करना पड़ेगा डन तो ये था रिगार्डिंग टू ये वाला पॉइंट काट दो आपके नोट्स में नहीं होगा तो अच्छी बात है अदरवाइज ये वाला पॉइंट काट दो सिर्फ पहला वाला पॉइंट रहने देना ये सेकंड वा, वाला पॉइंट काट दो तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है चलो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये आईएसडी पे है और ये आपके लिए होमवर्क है ये आईएसडी का एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवा है ये आप ट्राई करो अच्छे से रीड करके मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेस पे आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है डन पूरे आई के अगर आप ये पांच प्रॉब्लम कर लो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो गए समझ लो ओके okay, तो ये पांच प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है धन चलिए